चलो 1 2 3 4 5 डाउट बताओ। ओके फोर्थ फोर्थ का चेन दिल्ली में होना चाहिए। का लाता हूँ अभी। इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्राम विच इज रिफ्लेक्टेड एट अ रेयर मीडियम विथ हायर वेलोसिटी, ठीक है, एम्पलीट्यूड बिकम 75% इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव रेयर एंड से है ना, तो प्लस आएगा ना, पाई का चेंज नहीं होगा ना, पाई का चेंज नहीं होगा। मिल गया? हाँ देख एक्स्ट्रा पाई नहीं आएगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव नहीं आएगा। चल 5 6 7 सर, हाँ बोलो सर सर फर्स्ट वाले में सर एबी प्लस एफएसी कैसे आया था? बताता हूँ। थ्री सिमिलर बट स्लाइटली व्हेन ए एंड बी ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी एफ ए बी आर हर्ट्ज, एफ ए माइनस एफ बी का मॉड एफ ए बी, ए एंड सी आर स्टक एफ ए माइनस एफ सी का मॉड एफ ए सी, एंड बी एंड सी आर साइमल्टेनियसली हर्ट एफ बी माइनस एफ सी की वैल्यू का मॉड, ये पूछा है। मैथ्स है देखो क्या एफ ए इधर, या तो एफ बी और एफ सी सेम साइड है, सेम साइड होते तो ये मॉड आता, और डिफरेंट साइड होते, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं, तो गैप ये आता, तो ये मॉड जुड़ जाते। हाँ अब देखते हैं क्या एफ ए बी, ठीक है ना, तो देखो ये एफ ए सी है, ये एफ ए बी है, यहां ये एफ ए बी है, ये एफ ए सी, अब ठीक है आ गया समझ में। चल 5 6 7 5 6 7 हो गए, हो गए। 8 9 सर एट वाला चित्र बनाना है एक साथ, ये दोनों जब एक साथ पहुंचेंगे तो ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा, बनेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा, दोनों को जोड़ोगे ये बनेगा ना, मतलब नॉर्मल एम्पलीट्यूड सबट्रैक्शन करना है, नॉर्मल नॉर्मल कर्व ऐड करने हैं दोनों फंक्शंस। लेकिन एंड पॉइंट्स की तो दोनों के कर्व की है, वो जीरो नहीं हो जाएगा वहां पे? तो इसके बाद जीरो है ना, ये बताओ ये वाली हाइट और ये जीरो हाइट जुड़ेगी तो मैक्सिमम हाइट आएगी ना, जहां तो एम्पलीट्यूड लीनियरली कैसे ऐड हो जाते हैं? एम्पलीट्यूड नहीं, वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, y कोऑर्डिनेट, इसका y1 और इसका y2 एलजेब्रिकली ऐड कर दिया, एम्पलीट्यूड का तो मीनिंग ही नहीं है यहाँ, ग्राफ ऐड करना है। दो ग्राफ कैसे ऐड करते हैं, जैसे एक ग्राफ ऐसा होता, एक ग्राफ ऐसा होता, ऐसा इन दोनों को ऐड कैसे करते, तो दोनों की y जोड़ते ना हम, समझ गए, शायद ये ऐसा ऐड हो जाता जैसा भी ऐड होता, वो दोनों के कोऑर्डिनेट ऐड हो रहे होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। हाँ नाइन्थ टेंथ, नाइन्थ टेंथ, टेंथ आ गया, टेंथ वाला 156 और 150 से, तो 153 का टोन आएगी और बीट आएगी 6 की। तो टोन क्या होता है, मैं टोन से कंफ्यूज हो रहा हूँ। टोन मतलब जो आवाज आ रही है, आवाज कौन सी साउंड आ रहा है। अच्छा मतलब ठीक, a tone of frequency 156 hertz, हाँ इसमें amplitude same नहीं है, amplitude same, amplitude modulation हुआ ना, amplitude same नहीं है, amplitude modulation है, वो तो same होंगे, वो छोड़ो, a pure tone of 156, a tone of frequency, अरे रुकते जाओ रुकते जाओ रुकते जाओ, same मान ली हमने, अरे एक मिनट, बिल्कुल सही दिया है। देखो अगर एम्पलीट्यूड सेम होते तो आंसर आता ये, अगर एम्पलीट्यूड सेम होते तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, 0.002 अलग कर दो, cos 2π156 by something t, समझ गए, प्लस अब 0.4 हो गए, क्या है समझ, 08 cos cos है तो एक बार cos ऑफ 153 by ST और एक ऑफ cos ऑफ
थ्री टी बाय एस, ऐसा बनता कुछ। तो ये हमारा बीट वाला केस है, ये हमारा नॉर्मल है। तो 156 का नॉर्मल बनेगा और 153 का बीट बनेगा और बीट फ्रीक्वेंसी आएगी 6। पक्का समझ गए सर? तो अगर इसमें एम्पलीट्यूड सेम होते तो टोन नहीं आती फिर? एम्पलीट्यूड सेम होते तो ये लिखते हैं, प्योर टोन नहीं कहते ना उसे। हाँ, प्योर टोन नहीं कहते। तो ये हमारा है 153 हर्ट्ज विथ बीट 6 और ये हमारा प्योर टोन है, जिस प्योर टोन मतलब एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है, और ये कितना है 156 हर्ट्ज का। आ गया समझ में? नहीं टोटल बताना आंसर बेस्ट पॉसिबल। समझ में नहीं आएगी कैसे एम्पलीट्यूड आपने अलग कर रहे। आगरा पार्शियल है ना। क्या बताया ये? एक मिनट, अरे जी आवाज आ लगी थी अपने आप। प्लस प्लस ये जब से मैंने समझा तो रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्या कर रहे हो? इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, 0.02 अलग कर लो, 0.04 अलग कर लो, एक इसका 0.04 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 156, इसकी फ्रीक्वेंसी 150, इसकी फ्रीक्वेंसी 156। तो ये बीट है 6 हर्ट्ज का और इसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी जो है वो 153 है। ये फ्रीक्वेंसी 156 है और इसे हम प्योर टोन कह रहे हैं क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। आ गया सर, आ गया। समझ गए? यस सर। अगर एम्पलीट्यूड सेम होते तो आंसर इसमें नहीं आता, ये मिस हो जाता। तो चेन्नई वाला स्टेटमेंट कह सकते थे क्या? हाँ बिल्कुल, फिर चेन्नई ही कहते। वैसे इसका आंसर आगरा और चेन्नई का सुपर पोजिशन है, ए भी आएगा सी भी आएगा और ए और सी का कॉम्बिनेशन डी है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना? अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे तो क्या होगा? चलो 11th, वो विंड की स्पीड तो ऐड ही होगी ना सर? वो तो डिपेंड करता है विंड उस तरफ जा रही है कि नहीं। हाँ, मतलब ऊपर नीचे एक सही रहेगा उसका, जो भी रहेगा। हाँ ऊपर नीचे सेम रहेगा। ये 11th आ गया? हाँ आ गया। 12, 13, 14, डाउट बोलो। 12। ओके, there are two circle, R sound source moving in inner circle and anti-clockwise direction. ठीक है, ये source है, ये observer, ये clockwise जा रहा है। Observer is moving on outer in clockwise direction. Omega 1, omega 2, frequency of source, frequency observed by the observer. इस instant पे, इस instant पे तो अच्छी बात है, ये perpendicular हो गया। हाँ बिल्कुल। इसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया। है ना, ओमेगा कितने हैं इनके? ओमेगा 2 आर, ओमेगा 1 आर। तो ये फिगर ऐसा बन गया, ये 60 डिग्री पे है और ये सीधे ओमेगा 1 आर ऐसा है, ये 2 आर ऐसा। ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। सर ओमेगा 1 एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, अंदर की तरफ है। ओके, ओमेगा 1 आर अंदर, ये तो क्लॉकवाइज ही है ना, तो ये ऐड हो गए एफ नॉट इनटू सी प्लस ओमेगा 1 आर अपॉन सी माइनस, नहीं सी प्लस ऊपर आएगा ओमेगा 2 इनटू 2 आर कॉस 60 अपॉन ओमेगा 1 आर। तो आंसर नहीं आ रहा इसमें? सर 14 में बस ये पूछा था, आप जो क्लास में बता रहे थे ना सुपर पोजिशन वाली बात,
मतलब ये कंटिन्यूटी की क्या वो तो प्रूफ था, प्रूफ था, अब प्रूफ का समय नहीं है, रिजल्ट याद करो। नहीं वो लेकिन चीज समझ में नहीं आती है, इक्वेशन तो याद है क्या होता है, प्रूफ तो पूरा याद है मेरे को, तो बस फिर आगे बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है। अरे वो रस्सी था, रस्सी रस्सी में शार्प कॉर्नर नहीं आ सकते, ये था कॉन्सेप्ट, ना रस्सी टूट सकती है ना शार्प कॉर्नर आ सकते हैं। तो मैं इसमें ये बोला था आपने एम्पलीट्यूड लीनियरली ऐड कर दिए थे। अरे वो तो निकल के आया यार इक्वेशन ऐसा, इक्वेशन निकल के आया, वो उसको छोड़ो, प्रूफ भर याद रखो। कौन सा 15 स्टील वायर इज फिक्स्ड टू अ सपोर्ट एट वन एंड एंड इज रैप्ड अराउंड अ सिलिंड्रिकल दिस, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द पेग एंड सपोर्ट, ये इतनी सी लेंथ है, ये 6 सेंटीमीटर, बहुत छोटी नहीं। चलो, वायर इज इनिशियली कैप्ट ऑट व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ इट इज टाइटेंड बाय अ गिवन पेग, क्वार्टर ऑफ टन। तो इसको अगर हम 90 डिग्री मूव कर देंगे तो इसमें एक्सटेंशन आ जाएगा कितने का, आर पाई बाय टू, तो स्ट्रेन इसके अंदर आएगी आर पाई बाय टू बाय 6 सेंटीमीटर। चेको मैं एल लिखता हूँ अभी, अपन इसके टर्म में आंसर निकाल देंगे। सर ये कैसे सोचा इसमें, मतलब ये एच, मतलब ये है ना उसके एच पे लगा हुआ, मैंने तो मान लिया सामने लगा हुआ। गिटार नहीं देखा तुम लोगों ने, ये गिटार का है, सीधे सीधे इसको घुमा रहे हैं तो टाइट हो रहा है, वो तो लिखा भी है सब बांधा गया है, ऐसा है फिगर, गिटार जैसा है, इसको घुमाओगे घूमेगा टाइट हो जाएगा, देखा है ना गिटार में ऐसा 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 होता है ना, आ जाएगा और सेट हुआ है, तो और कैसे अरेंज कर भी नहीं सकते थे इसके अलावा। हां वही y into strain टेंशन आ गई, अब कर लोगे कि करूं, कर लेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2l अंडर रूट t बाय म्यू, क्लोज्ड एट बोथ एंड का केस आएगा, t की वैल्यू ये आएगी a टाइम्स y into r पाई बाय 2 बाय l, ठीक है। डेंसिटी दे रखी होगी है ना, म्यू की वैल्यू रो into a, a कट जाएगा, आई तो कट ही जाएगा। 16 हाँ सिंपली एज्यूम दैट सोर्स, तो सोर्स का फंक्शन कितना है, ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, तो यहां से डिस्टेंस एक्स पे फंक्शन क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी, ये फंक्शन आ गया इसका, वाई एक्स एट टी, आ गया समझ में। अब टी इक्वल टू टी बाय सिक्स छाप दो, वॉज एट मीन पोजिशन, वॉज एट सोर्स इज हाफ द एम्पलीट्यूड, ए बाय टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t की वैल्यू t बाय 6 माइनस k 2 पाई बाय लैम्डा, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, आ गया। हां बॉम्बे आ रहा था, तो ये ओमेगा t बाय 6 ये कितना बनेगा, पाई बाय 3 माइनस 8 पाई बाय लैम्डा साइन के अंदर इज इक्वल टू 1 बाय 2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते तो पहला सॉल्यूशन जब 8 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 6 होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 48, ठीक। आ गया क्वेश्चन समझ में, सोर्स का फंक्शन हमने लिखा, सोर्स से एक्स डिस्टेंस आए, एक्स पे हमने इक्वेशन लिख दी कर्व की, ठीक। आ जाओ 17 हो गया, चेन्नई का हो गया, चेन्नई 17 में डाउट है कहीं, आंसर केवल चेन्नई का था, ओके देखते हैं। आंसर आगरा चेन्नई, अलोंग अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड क्लॉकवाइज द डिटेक्टर इज एट रेस्ट एट 2r, 0, 0,
ये डिटेक्टर है सेंटर, द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स इज एफ, तो ये ऐसे घूम रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब सोर्स यहां होगा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का केस है, जब सोर्स यहां होगा टेंजेंट बना रहा होगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का केस है। आ गया ना समझ? और एफ मैक्स होगा सी अपॉन सी माइनस ओमेगा आर एफ नॉट, ये सी अपॉन सी प्लस ओमेगा आर एफ नॉट, ये मिनिमम है। अब देखते हैं क्या क्या पोजीशन ऑफ सोर्स व्हेन डिटेक्टर रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी इधर एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये 60 डिग्री है शायद, 2R है ना, ये 60 डिग्री है, नहीं वो 60 तो है, क्यों ये 2R ही तो स्पीड से वो कंपेयरेबल है ना उसके, अरे भाड़ में गया, कंपेयरेबल क्या कंपेयरेबल, वो डिस्टेंस घूम भी तो जाएगा ना डिटेक्टर। ओके ये देखते हैं जब तक पहुंचेगा। हां हां वो इज दैट क्या पूछा, व्हेन डिटेक्टर रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके अब ये तो समझ में आ गया कि इस समय जो उसने फ्रीक्वेंसी फेंकी होगी वो इसने सबसे मैक्सिमम रिसीव करी होगी, लेकिन अब रायता इसमें एक छोटा सा फैल गया है कि इसकी स्पीड अच्छी खासी है डिटेक्टर की, तो डिटेक्टर ने जो 60 डिग्री पे फेंकी वो इसने यहां तक रिसीव की। अब लेंथ ये 2R है, ये R है, R रूट 3 है, तो टाइम इसको कितना लगा साउंड को यहां से यहां पहुंचने में, तो टाइम लगा आर रूट थ्री बाय सी, इतने टाइम में ये कुछ थीटा कवर अप कर गया होगा, तो ये थीटा कितना घूमा, तो ये थीटा कवर्ड इज इक्वल टू ओमेगा टी, है ना, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी, हाँ ठीक है, तो अपन को ये डिस्टेंस तो चाहिए ना, ये कहाँ पहुंच गया, तो ये थीटा चाहिए ना, थीटा 30 डिग्री रेडियस, रेडियस आ रही है 30 डिग्री है, 330 पाई बाय 6 रूट 3 यही है ना, वी बाय आर इनटू टी, ये आया टी की वैल्यू आर रूट 3 6 रूट 3 पाई बाय आर आर रूट थ्री बाय सी, सी ही 330 है, रूट थ्री से रूट थ्री कटा पाई आर बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स एंगल आया, मतलब ये 30 डिग्री घूम गया, तो ये जहां पहुंचा वो एंगल हमारा 30 डिग्री था, क्लियर। क्वेश्चन ये है भेजा इसने था जब 60 पे था, लेकिन जब तक वो सिग्नल पहुंचा ये खुद 30 डिग्री घूम गया, तो लोकेशन 30 आ गई, तो एक्स रूट थ्री बाय टू वाई माइनस रूट थ्री बाय टू, इसमें भी 30 घूम जाएगा तो वो 90 वाली लोकेशन पर पहुंच जाएगा मिनिमम वाले केस में, फेंका यहां था 60 पे और जब ये सिग्नल पहुंचे ये 30 डिग्री आगे मूव कर गया, ये 90 पे घूम गया, तो 0, R आगरा सही है, बॉम्बे सही है, आगरा चेन्नई भी सही है, दिल्ली सही है क्या, मुझे तो दिल्ली नहीं, दिल्ली में मिनिमम लिखा है, मिनिमम लिखा है, ये मैक्सिमम होना चाहिए था। ठीक है आगे चल, तो कंपेरेबल था इसीलिए हमें ये देखना पड़ा, आ गया ना समझ में। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये सोर्स यहां था तो ये जो फ्रीक्वेंसी भेजता है या जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं वो उस समय की है जो उस समय निकली, पहुंची कब वो बाद की बात, ठीक है चलो ठीक। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड द मिड पॉइंट ऑफ द कंप्रेशन जोन एंड एन एडजेसेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सी और आर, ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट वेव हमारी ये है, प्रेशर वेव हमारी क्या है, ये साइन है तो ये माइनस कॉस बनेगा, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कंप्रेशन जोन, तो कंप्रेशन जोन कहाँ है ये, तो इसका नाम है सी, इसका नाम है आर, तो सी और आर दोनों पे डिस्प्लेसमेंट जीरो। एक मिनट, ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेव बनाई मैंने क्या, सॉरी फिर से बनाता, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है,
प्रेशर वेव ये बना रहा हूं मैं नीचे, तो ये हमारी प्रेशर वेव जो मैं बना रहा हूं। ठीक, तो ये हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट ये है, ये हमारा रेयर फ्रैक्शन। तो नाम क्या दिया इन्होंने? हाँ, रेयर फ्रैक्शन। ये क्या मतलब? ये नहीं आ रहा समझ में, ये पूरा जोन कंप्रेशन जोन है। हाँ, तो इसका मिड पॉइंट सी दिया ना इन्होंने। हाँ, ये बोला पूरा जोन रेयर फ्रैक्शन जोन है। नीचे प्रेशर का ग्राफ, रेयर फ्रैक्शन मतलब प्रेशर इज लेस देन पी नॉट, कंप्रेशन मतलब प्रेशर इज मोर देन पी नॉट। तो पॉजिटिव प्रेशर कंप्रेशन, नेगेटिव प्रेशर रेयर फ्रैक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बराबर आएंगे, आगरा बिल्कुल सही है, समझ गया ना, स्लोप है टेन थीटा दोनों तरफ बराबर है। डेल एस बाय डेल टी, बॉम्बे गलत है तो स्लोप में ना एक साइन तो एक माइनस कॉस, वेलोसिटी हाईएस्ट होती है। चेन्नई बिल्कुल सही है, पार्टिकल ऑफ एयर स्टेशनरी मिडवे बिटवीन सी एंड आर, सही बात है, वेलोसिटी जीरो है इस पॉइंट की। इक्वल टू जीरो लिख दिया, इक्वल टू जीरो लिख दिया, स्लोप मैक्सिमम है ना, बात तो हाईएस्ट होगी ना इस पॉइंट पे, स्लोप मैक्सिमम है, ए के आएगा ना, ए के। ठीक है, हाँ, और बाकी तो ये समझ में आ ही गया होगा, प्रेशर एट सी है पी नॉट प्लस बी के एस नॉट, एट आर पी नॉट माइनस बी के एस नॉट, तो डिफरेंस इनका टू बी के एस नॉट। ठीक, नहीं सर, बॉम्बे में आपने स्लोप क्या देखा, डेल टी के रिस्पेक्ट में बताना। हाँ, तो वेलोसिटी भी उसी पॉइंट पे मैक्सिमम है, चलो स्लोप छोड़ो, वेलोसिटी है, फिर वेलोसिटी ए ओमेगा होती, मीन पोजीशन है, वेलोसिटी सेम टाइप का होता है, जहां स्लोप मैक्सिमम वहीं तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। हां, प्रेशर जीरो है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होनी है। ठीक, हां हां, अच्छा सर, इसमें जो 18th वाला है उसका डी क्यों गलत है, जो चेन्नई वाले में वो 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, कैन बी एनी ऑड और इवन, इवन भी तो हो सकता है, इस हिसाब से एनी लिख दिया ना, एनी, ओके ओके। सर, इस क्वेश्चन में अलग-अलग वो नहीं हो सकता क्या, अलग अलग ओवरटोन में मूव कर रहा हूँ, ऑड वाला ही है ना मिड पॉइंट, और ऑड मल्टीपल बनेंगे ना, नहीं एक बार बना के देखो इसका फिगर। अरे कैसे, ये यहाँ ऐसा है, पहला ये बनेगा, अगला बनाओ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने अगला बनाया तो अगले वाले दूसरी साइड, पहले वाले फंडामेंटल दूसरी साइड, कैसे हो सकता है, लेंथ सेम है दोनों जगह, तो कैसे बन सकता है, दोनों जगह लेंथ बराबर है ना, ऐसा थोड़ी होगा एक जगह n बनेगा एक जगह m बनेगा, वेवलेंथ तो एक ही है ना, फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड सेम, वेवलेंथ सेम। चलो 20, चले चले 21 बता, 21 साइनसोइडल ग्राफ एंड हिस्ट्री ग्राफ ऑफ वेव पल्स सेम वेव फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। ओके, अलग अलग जगह स्नैपशॉट हो गए ना, एक टाइम का और एक एक्स्ट्रा, देखते हैं, फिगर शोज अ स्नैपशॉट ग्राफ एंड अ हिस्ट्री ग्राफ फॉर वेव पल्स ऑन अ द डिस्क्राइब द सेम वेव फॉर टू पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू टू का है, ये वाई और एक्स का ग्राफ है टी इक्वल टू का, और ये वाई और टी का है एक्स इक्वल टू टू का। हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत, ऐसा था ना, अप्रोच समझ नहीं आई, ये x इक्वल टू टू का स्नैपशॉट ऐसे, मतलब सॉरी, ये x इक्वल टू टू पार्टिकल का टाइम के साथ है, तो देखो ये y और t कर्व है, और ये वाला हमारा y और x कर्व है, x इस तरफ, y और x कर्व, ये नेगेटिव एक्स है क्या, नेगेटिव एक्स हुआ, हाँ नेगेटिव एक्स ही, नेगेटिव एक्स ही। तो क्वेश्चन ऐसा है कि t इक्वल टू 0.01 पे ये है, t इक्वल टू 0 पे कहीं रहा होगा, है ना, तो हम ये देखें कि ये वाला जो डिस्टरबेंस ये कितना है 0.003 है ना,
ये डिस्टरबेंस यहाँ पे ये वाला है, ये डिस्टरबेंस समझना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं, कि ये x इक्वल टू टू पे पहुंच गया डिस्टरबेंस माइनस टू से, तो 4 सेंटीमीटर मूव कर गया पॉजिटिव डायरेक्शन में इन टाइम, ठीक है 0.02 सेकेंड। पहले चलो छोड़ो, अपन इतना कठिन नहीं करते, पहले मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ चित्र की बात कर रहा हूं। यहां क्या है, सिमेट्रिक फिगर है तो कंफ्यूजन कम हो रहा है। फिगर ऐसा, ये हमारा वाई और एक्स ग्राफ था, है ना, और वाई और टी ग्राफ कैसा बनेगा इसका, अगर ये वेव इस तरफ जा रही है तो बताओ वाई और टी किसी पार्टिकल का कैसा बनेगा, एक्स इक्वल टू जीरो का ही बनाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे समझना जो मैं कह रहा हूँ, मान लो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, तो x इक्वल टू जीरो का मुझे ग्राफ बनाना है। तो बताओ ये पार्टिकल जो x इक्वल टू जीरो पे है कब मूव करना चालू करेगा, कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद। तो 2 सेकंड तक तो रेस्ट पे रहेगा, और इसका शेप कैसा बनेगा, नीचे जाएगा, ये सही आया, समझ में आया? पहले ये इसका नंबर, ये यहाँ सिग्नल पहुंचा, फिर इसके बाद ये सिग्नल पहुंचेगा, फिर ये सिग्नल पहुंचेगा, तो पहले कर्व पहुंचेगा, फिर ये ट्रायंगल का नंबर आएगा। सोचो कॉमन सेंस है, वो क्या साइन में पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों तरफ से साइन एक सा दिखता है, रिवर्स कैसे करते हैं? अरे अब हो गया तो मैं क्या करूं, अरे बनेगा, ये जा रहा है तो पहले इस कर्व का नंबर आएगा, फिर ये ट्रायंगल का नंबर आएगा ना इस पॉइंट पे। अच्छा, इतना इमेजिन करो कि ये इधर जा रहा है तो ये पॉइंट कैसे मूव करेगा, पहले ये पॉइंट नीचे जाएगा, ये आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद ये ऐसे वापस नीचे आएगा, तो उसकी हिस्ट्री वैसी बनेगी जो मैंने इधर ग्राफ में बना रखी, बनती। अब मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं, ये ग्राफ इस तरफ, और मैं इस पार्टिकल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो इस पार्टिकल की हिस्ट्री टाइम के साथ कैसी बनती, पहले ऊपर जाता, रेस पे ऊपर जाता, ऊपर, समझ आया? यस सर। ये रफली एक सा होगा, एग्जैक्टली एक सा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ की लेंथ और ये कोऑर्डिनेट अलग अलग है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर होता और ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता, तो ये लेंथ 1 सेकेंड आती, सोचो 2 सेंटीमीटर कवर अप करने में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से 1 सेकेंड लगेगा, और ये अगर 3 सेंटीमीटर होता तो ये लेंथ 1.5 आता, और ये अगर 2 सेंटीमीटर होता तो ये कोऑर्डिनेट 1 सेकेंड आता, ठीक? मतलब देखो, जब नेगेटिव साइड जा रहा है तो रफली एक सा है, लेकिन पॉजिटिव साइड जा रहा है तो पलट रहे हैं, और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात थी, दिखाता हूँ, ये f of x है, x माइनस ct बनाते, अब जब y t बनाओगे तो t का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेगा ना, बिल्कुल, लेकिन अगर ये x प्लस ct होता तब थोड़ी ना हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेगा, स्केल होगा, फ्लिप नहीं करेगा, क्या कहा मैंने? ठीक है, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ y इक्वल टू f ऑफ x, इससे f ऑफ x माइनस ct बनाओगे, f ऑफ x प्लस ct बनोगे, अब तुम क्या करोगे, x को कांस्टेंट और t वेरिएबल होता, x कांस्टेंट t वेरिएबल, तो दरअसल ये
एफ ऑफ माइनस सी टी प्लस एक्स नॉट कुछ बनेगा, ये सी टी माइनस एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ था उस जैसा इसका बनेगा लेकिन फ्लिप्ड एंड स्केल हॉरिजॉन्टली, झिला यहां फ्लिप्ड, सॉरी नॉट फ्लिप्ड बट स्केल्ड, और स्केल्ड कितना सी टाइम्स सी का रेशियो का अंतर आ जाएगा। आखिरकार समझ गए? ठीक है। तो देखो चूंकि ये ग्राफ फ्लिप हुआ है, फ्लिप हुआ है इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, और कितनी स्पीड से, तो हम माने सी की स्पीड से, और अगर सी के स्पीड से जा रहा था, आप देखो यहां 0.01 सेकंड है, तो ये वाला डिस्टरबेंस ये x इक्वल टू 2 का है, तो ये डिस्टरबेंस x इक्वल टू 2 पे पहुंचा कितने सेकंड पे, 0.03 सेकंड में पहुंचा, ये 0.01 था, इस पे ये डिस्टरबेंस पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना मूव किया इस डिस्टरबेंस ने, 0.02 माइनस 2 से प्लस 2 पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट आया 2 माइनस माइनस 2 सेंटीमीटर, टाइम टेकन आया 0.03 माइनस 0.01 4 सेंटीमीटर, 0.02 सेकंड, तो 4/0.02 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव डायरेक्शन। पक्का आ गया समझ में? हां सर। हां सर नहीं कर दें, ठीक यस, अगर अभी आ गया, वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, स्पीड ये पीक इज लोकेटेड एट x इक्वल टू माइनस 6 एट t इक्वल टू 0, तो यही ग्राफ चूंकि 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 0.01 सेकंड पे ये ग्राफ 2 सेंटीमीटर पीछे होगा, ऐसा रहा होगा ये ग्राफ t इक्वल टू 0 पे। आगे बढ़ो, पैसेज 1 हुआ, पैसेज 2 पैसेज 25 longitudinal stationary are such that there are 6 anti nodes present along the rod fixed at one end, other end free and one end, other end clamp, to 6 anti node the to 6 anti node mein apan photo bana lete hain, ye dabbe hi 6 honge, 1 2 3 4 5 6, to 5 lambda by 2 plus lambda by 4 equal to length l1, theek hai, theek hai, लैम्डा की वैल्यू आ गई, पहला काम हो गया। ओनली वो 11 है का। क्या ऊपर 11 है, 4/11 आएगा, 4/11 यंग्स मॉडुलस दे रखा है स्पीड, तो इससे हम स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड कितनी आई थी, y बाय रो कुछ होगा ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, हाँ तो y बाय रो कर देंगे सीधे, ठीक है, 16 400 कुछ आ जाएगा, 6.4 इंटू 10 पे 10, 4 इंटू 10 पे 3, तो इसको 64 इंटू 10 पे 9 लिख लो, तो 16 इंटू 10 पे 6 4000 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गया। कंसीडर द फ्री एंड ऑफ ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल टू बी इन, ठीक है, चलो अब देखते हैं वो अपना आंसर क्या है। तो क्वेश्चन में कहा है कि फ्री एंड हमारा x इक्वल टू 0 है, तो ये ऐसा है, तो इक्वेशन होती है 2a sin kx plus del sin omega t plus 5, अब x इक्वल टू 0 हमारा एंटी नोड है, तो डेल की वैल्यू पाई बाय 2 होगी, तो 2a cos kx लिख लें, अब sin omega t plus 5, और t इक्वल टू 0 पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो 5 भी पाई बाय 2 हो गया, तो ये भी cos omega t, ये क्वेश्चन आई, तो 2a एम्पलीट्यूड दे रखा होगा, 2a की वैल्यू ही 4 इंटू 10 पे माइनस 6 है, cos of
टू पाई बाय लैम्डा, लैम्डा शायद 4/11 था, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हम लैम्डा एफ इक्वल टू सी से निकाल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी लैम्डा बाय सी, ठीक है, 4/11 और सी है 4000, तो 1/11 इंटू 10 पे माइनस 3, ठीक, यस ठीक, 10 पे माइनस 3 टी, ये तो इक्वेशन आ गई, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा थी, ओके उल्टा लिख दिया, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी सी बाय लैम्डा, तो 4000/4/11, तो 2π × 11 × 10^3, 22, दोनों कॉस आ गया, बिल्कुल सही, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग स्ट्रेस, अब हमें स्ट्रेस बतानी, तो स्ट्रेस कहां पे सबसे ज्यादा है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन जहां सबसे ज्यादा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का ये लिखा, स्ट्रेस बाय डेल एक्स सी स्ट्रेस है, आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस वाला ये टाइम वाला टर्म सेम रहेगा, ये वाला कॉस की जगह साइन हो जाएगा, कॉस की जगह साइन हो गया, कॉस वाला सेम है, पाई एक्स्ट्रा, सही है, कॉस बॉम्बे सही है, आ गया समझ में, यस, स्ट्रेन कुछ और नहीं, डेल एस बाय डेल एक्स, स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक, स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेस बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड, जो डेल एस बाय डेल एक्स है उसमें वैल्यू छाप दो, अब आ जाएगा, ठीक, सर मुझे एक चीज और पूछनी थी, सर 23 वाले में सर बॉम्बे नहीं आना चाहिए आंसर, नहीं मुझे नहीं पता यार, उस चक्कर में तुम पूरा सॉल्व करवाओगे यार, नहीं सर आप अंदाजे से बता दो सर, अरे पूरा मुझे तो पढ़ना पड़ेगा ना क्वेश्चन, मैं नहीं पढ़ रहा, बहुत सारा डिस्कशन सही दिया, बाद में देखूंगा, आंसर वैसे सही है, ठीक है तो मैं बाद में देख, बाद में अलग से तुम मैसेज कर, हां बिल्कुल ट्राई करते, 28 29 30 हो गए थे रिपीटेड है, चलो आगे क्या, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेट्स हो गया, चले ऑक्सीलेटर वाला सही, चलो चलो एक इंसिडेंट, पहला तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटिंग आगरा चेन्नई दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, फेज दिया होगा इन्होंने, फेज कितना है, आगरा चेन्नई तो सेम ही है, फेज की अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो डायरेक्शन नहीं, आगरा चेन्नई में तो फेज का ही तो अंतर है, बाकी तो सब सेम है ना, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेट्स विद फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ए, इट इज जनरेटिंग वेव एट वन एंड इन विच वेलोसिटी ऑफ द वेव इज v1 एंड विच इज कनेक्टेड टू अनदर हैवियर स्ट्रिंग, कहीं नहीं दी, आगरा चेन्नई दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हम कैसे मान लेंगे, एक्चुअली आंसर ये होगा है ना, तो फाई हर जगह ही आएगा, इन्होंने कहीं नहीं लिखा है तो फाई को जीरो मान लिया है, ट्रांसमिटेड वेव इन स्ट्रिंग, सर उसमें लिखा तो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन, कहां लिखी है वो, y = 2 sin ω t 30 y = sin ω t, sin ω, कहां लिखा सर, 31 वाली स्टेटमेंट पर लिखा है, ओके लिखा है, सही तो कह रहे हो, हां ये लिखा है, लिखा लिखा, हां भाई लिखा है ना, सही सही सही, हाँ मुझे यही तो चाहिए था कि फेज हम कैसे कह देंगे, तो आगरा ओनली आएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इन सेकंड स्ट्रिंग इफ एम्पलीट्यूड इज a1, काफी अच्छा क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, इसका जो सिग्नल है यहां पहुंचने में कितना टाइम लेता, हम ये पता कर लेते हैं, तो इसका होता है a sin omega t, इससे पहुंचेगा t minus l by v1 minus, अगर ये कोऑर्डिनेट x है तो x minus x minus l, और a की जगह a डैश हो जाएगा, x minus l क्यों करो, x यहां से मेजर हो रहा है, ओरिजिन ये है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में x हमेशा यहां से मेजर हो रहा है, इसीलिए हमने l का अलग निकाला, बाकी का फेज अलग निकाला, तरीका समझ में आया, ठीक है सर, आगे ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड का तरीका क्या होगा, a डैश sin ओमेगा, तो पहले सिग्नल किस पे पहुंचेगा, रिफ्लेक्टेड वाले पे, तो t माइनस एल बाय वी वन, अब ये वापस आएगा,
वापस आएगा तो एक पाई का चेंज आएगा और वापस आएगा तो ये प्लस आएगा x माइनस एल बाय वी टू, एल माइनस एक्स आएगा, एल माइनस डिस्टेंस बनेगा ना ये, वी वन ही होगा ना, वी टू तो कहीं नहीं आएगा इसमें, रिफ्लेक्टेड वेव यही है क्या बॉम्बे? चलो चलो तरीका समझ में आया क्या किया हमने, सोर्स से वेव सिग्नल भेजना चालू किए, ठीक है, तो वो ट्रांसमिटेड में और रिफ्लेक्टेड में दोनों की ऐसे इक्वेशन लिखता है। तो आपने जो जो लिखा है उसमें l / v1 तो कट रहा है, आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है किसमें, आपने जो एक्सप्रेशन लिखा उसमें l / v1 कट रहा है रिफ्लेक्टेड वेव का, तो आंसर में भी तो कट रहा है, बॉम्बे और चेन्नई में नहीं कट रहा है, जोड़ रहा है, बॉम्बे में ही l / कट रहा है, ओके l / v1 पाई l - x / v1, ओके मैंने एल माइनस एक्स भी लिख दिया है, एक्स माइनस एल ही होगा ना, हाँ, और मैंने प्लस साइन दोनों एक साथ कर दिए, पता है ये मैंने ऑर्डर भी बदल दिया और ये भी बदल दिया, ठीक मैंने दोनों चीजें एक साथ कर दी थी, अब ठीक पाई बाहर आएगा, तभी तो एक्स का कोएफिशिएंट प्लस आना चाहिए, हमारा माइनस आ रहा है, अब सही है, अब ये ओमेगा टी प्लस के एक्स बन गया ना, ठीक है प्लस समथिंग, और इसका ओमेगा टी माइनस के एक्स बन गया, चलो अब आ जाओ डिटेक्टर वाला मैसेज फाइव, चलो गया इसमें बस एक बार, तो 37 वाला था, 37 जो क्वेश्चन है, नाउ द सोर्स स्टॉप्स एंड बिगिन टू मूव अलोंग वाई एक्सिस विद सेम स्पीड, प्लॉट व्हिच करेस्पोंड्स टू मेजरमेंट ऑफ बी, नाउ ये ऐसा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, तो टाइम के साथ ये vt बनेगा, है ना, डिटेक्टर फिक्स है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा हम लिख लेंगे तो कितना बनेगा c अपॉन सोर्स c प्लस vt cos थीटा, और cos थीटा एक और vt अपॉन ये डिस्टेंस d दिया होगा d स्क्वायर प्लस vt का होल स्क्वायर का अंडर इनटू f, ये आएगा इनटू v, नहीं किया v cos थीटा है ना, cos थीटा vt एक v ये बनेगा सर, ये क्या कैसे लिखा c प्लस वाला टर्म, टाइम पे ये कहां पहुंच गया होगा vt डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस d है, तो इस टाइम पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी देखिए, ये हमारा कान है, ये हमारा स्पीकर है, बड़े छोटे से पूछ लेते हैं, ये नहीं लिख पाओगे, लाइन ऑफ ये है, ये थीटा है, ये v है, तो c अपॉन v प्लस c प्लस v cos थीटा आएगा, और cos थीटा की वैल्यू हमने छाप दी, समझ गए, ठीक है, हां vt अपॉन d स्क्वायर प्लस vt होल स्क्वायर, ये बनेगा प्लॉट विच करेस्पॉन्ड्स टू मेजरमेंट ऑफ बी, तो ये बनेगा, ये कैसा बनेगा ये कर्व, सर प्रेशर फंक्शन है क्या, प्रेशर फंक्शन है, ठीक है प्रेशर है, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, देखते हैं सो सिमेट्रिक प्रेशर फंक्शन, प्रेशर दिया तो फ्रीक्वेंसी तो आई जाएगी, मतलब वो तो आई जाएगी, इंडिकेट द प्रेशर फॉर द साउंड वेव एज इट मेजर्ड बाय A by detector by C, which of the following वो तो हमें amplitude, ये frequency का variation ऐसा आएगा, तो frequencies की कम होगी, है ना, बीच में frequency maximum होगी, आगे जाने पे frequency कम होगी, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, sorry, से नीचे क्यों जाएगा, अच्छा pressure है, pressure का graph है ना वो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यहाँ कम, ऐसा कुछ बनेगा, एक्सेक्टली नहीं बता पाएंगे, अब ये एक्स क्या चीज है, ये एक्स क्या है, किसके साथ ग्राफ है, ऊपर सोर्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, डिटेक्टर्स की लोकेशंस है क्या, है नहीं सोर्स की स्पीड इज डायरेक्शन, तो पढ़ लेता हूं पूरा, सोर्स मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स स्टेशनरी डिटेक्टर बी एंड डायरेक्टली अवे फ्रॉम, ठीक है, द सुपरइंपोज थ्री प्लॉट्स ऑफ फिगर बी, pressure function of sound wave as measured by detector A, detector B and some detector C.
सी का तो वही आएगा जो सोर्स का है एक्चुअली असली वाला है ना, तो सोर्स का तो असली वाला आएगा, तो बीच वाला आएगा सोर्स का, शायद बीच वाला ये डॉटेड ही है, ये सॉलिड वाला फिगर ये शायद सोर्स का है, सोर्स का मतलब सी का, ए की फ्रीक्वेंसी ए की वेवलेंथ, तो ए का ये है जिसमें वेवलेंथ कम हो गई है, ये ए का है, और तीसरा वाला बी का है जो बड़ा वाला, ये बी का है ग्राफ है ना, ये आंसर मैच कर रहे हैं सभी। Now the source stops and begin to move along y-axis with same speed. Plot which corresponds to measurement of B now. लेकिन B का अलग-अलग time पे अलग-अलग आएगा measurement. Frequency बदलती रहेगी ना इसलिए। हाँ हाँ अलग-अलग time पे अलग-अलग आएगा। तो ये तो मुश्किल है 37 करना। इनमें से समझ गया ना क्या कह रहा हूँ? Graph बदलता रहेगा। किस instant का पूछा ये नहीं बताया ना? Angle बदलेगा ना। अलग अलग टाइम पे इनिशियली ग्राफ, इनिशियली ग्राफ आएगा कौन सा वाला जो ओरिजिनल है ये, लेकिन जो ही आगे जाएगा ये ग्राफ फैलने लगेगा ऐसे, फिर और फैलेगा जितना दूर जाएगा, ये अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग आएगा, ऐसा एंगल बदलने की वजह से हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल एंगल बदलने की वजह से, तो वेरिएबल है। रणवीर सिंह अक्षय कुमार का क्या हुआ? रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, पता नहीं ये नहीं लिखा, अक्षय कुमार है पहले वाला का, ठीक है सर, अक्षय कुमार ही होगा, चलो हाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ सर ये पहले वाला का ठीक है, मैं अभी पता हूँ। हाँ सर ये है ना, पी क्यों नहीं आ रहा इसमें, जो ऑब्जर्व वेवलेंथ है वो क्या समझ। चलो रणवीर एंड अक्षय आर रोइंग इन टू बोट विद सेम स्पीड वी, Ranveer in upstream relative to Akshay, river is flowing with speed V2. Each boat sends through a water a signal to other. The frequency F0 of the generated continuous sonic signals. ठीक है। तो river के stop, river के respect में हम देखते हैं सबका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। पहले में तो same frequency आएगी, है ना? अब क्या wavelength निकालनी है? तो वेवलेंथ में सोर्स खुद मूव कर रहा है, साउंड किसने पैदा किया? दोनों ने, तो एक का बढ़ेगा एक का कम होगा। नहीं सर, रिलेटिवली तो रेस्ट पे है ना, किसमें? एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे तो रेस्ट में ही है, क्योंकि v/2 से जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन। पहले ही पार्ट की बात कर रहे हो ना, ए में? हाँ 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 हाँ, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे, लेकिन मीडियम मूव कर रहा है। हाँ मीडियम मूव कर रहा है। हाँ मीडियम मूव कर रहा है, तो वेवलेंथ बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन वेवलेंथ बदल जाएगी। हाँ सर, जो रोल आता है आपको बताया था उसका, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं वेरिएशन, अगर उसमें फ्रीक्वेंसी भी मूव कर रहा है तो कैसे निकालते हैं? अरे तुम पहले में ऐसे करो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चले जाओ, ये विंड वाला केस मान लो, विंड v/2 से जा रही है, ये बंदा v/2 से जा रहा है, ये बंदा v/2 से जा रहा है, ये है ये है, अब ये विंड मान लो इसको, अब आंसर दे दो अपने आप सब आंसर मिल जाएंगे। हाँ, सही समझ गया ना? हाँ, तो apparent frequency तो आएगी नहीं, लेकिन wavelength जरूर change हो जाएगी। हाँ, तो क्योंकि wavelength में सिर्फ medium और source का role होता है, तो जैसे इसने जो signal भेजे, इसने जो भेजा उसका lambda आएगा, lambda is equal to कितना बनेगा, lambda not 1 minus v2 v/2 और c की value c plus v by c minus v/2 सर, ये बनेगा। यस सर। सर हम v/2 कोई डायरेक्ट विंड नहीं मान सकते थे, क्योंकि जो मीडियम है उसी में तो वो है ना। हां तो लेकिन ये वेलोसिटी तो इनके रिस्पेक्ट में दी है ना, रिलेटिव टू द रिवर दी ना वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना पड़ेगा। हां हां, इसका लैम्डा निकालते तो लैम्डा नॉट इस तरफ जा रहे हैं तो बढ़ जाएगा 1 प्लस v/2 / c प्लस v/2। ठीक, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, अक्षय कुमार को ज्यादा आई, रणवीर कपूर को कम आई, जो भी है। तो आंसर क्या है इसका, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय अक्षय इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी तो सेम आएगी क्योंकि एफ में तो वही आएगा है ना, क्योंकि सी तो कट ही जाएगा, सी प्लस वी और सी प्लस वी टू, ये एक में माइनस आएगा कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम। सी में बेंड का रोल नहीं है? अरे तो सी में फर्क क्या पड़ रहा है, सी को सी डैश ले लो ना, ये आया तो वो तो कट ही गया ना सर, ये एक में सी डबल डैश ले लो,
लो अब भी कट गए. ऑप्शन में क्या लिखा है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला लगाओ ना सीधे. ये आगरा वाले को अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते थे ना, इसी से लैम्डा का एक्सप्रेशन लिखने की जगह. लैम्डा अलग से निकलता है, फ्रीक्वेंसी अलग से निकलती है, दोनों एक तरह से इंडिपेंडेंट टाइप के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करती है. ठीक. लैम्डा में म्यू का रोल नहीं आएगा, मतलब व्हाट इज म्यू, क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो आ गया उसका रोल जो आना था, यहाँ आ चुका है ना, लैम्डा नॉट के कैलकुलेशन में आ गया होगा ना. अच्छा अच्छा ठीक ठीक. चलो ऐसे समझो, सिंपली एक कोई सोर्स है जो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका जो सिग्नल दोनों तरफ जाएगा तो यहाँ जो वेवलेंथ आएगी वो सी टी, और सी टी आएगी इसी को सी बाय एफ नॉट लिख लो. अब अगर ये V से जाने लग गया तो इस तरफ ये छोटा हो गया, इस तरफ ये बड़ा हो गया, और ये लेंथ आई C प्लस V, सॉरी माइनस V इनटू T, तो C माइनस V बाय F नॉट, इधर ये C प्लस V बाय F नॉट, तो C की वैल्यू में आ गया होगा. C उस मीडियम का, मीडियम को स्टिल मान के निकालते हुए निकाला हमने. अब अगर विंड इस तरफ जा रही होगी, इस तरफ होगी विंड वी डब्ल्यू, तो अपने आप यहां सी डैश, सी डैश, और सी डैश की वैल्यू सी प्लस वी डब्ल्यू, यहां सी डैश की वैल्यू सी माइनस वी डब्ल्यू. समझ गए? चलो तो अब देखो क्या डॉप्लर लाइट में भी होता है. हाँ सर, वो इस बार जीवी से क्वेश्चन आ गया था उसके ऊपर एक. अब तुम तो यही लगाओ, अभी नहीं आएगा वी रिलेटिव बाय सी, सॉरी अंडर रूट नहीं लगा, एडवांस में है नहीं वो सिलेबस में. चलो तो पहले का आया फ्रीक्वेंसी सेम है और वेवलेंथ अलग अलग है, तो वेवलेंथ रिसीव्ड बाय अक्षय कुमार पीछे वाला है ना, ये इस तरफ जा रहा है अक्षय वाला, सही है. क्यू और टी, पी ऑप्शन. और कौन सा? द टाइम इट टेक्स फॉर सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम वन बोट टू अनादर विल बी सेम, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत. समझ में आया? क्योंकि इसने जो चिल्लाया, यहां विंड एक बार विंड ऐड हो रही है, विंड की वेलोसिटी वी बाय टू है, और जब ये चिल्लाता तो कुछ और आता ना. कम कर. समझ गए? तो जैसे इसको टाइम मिलता एल अपॉन सी माइनस वी बाय टू, एल अपॉन सी प्लस वी बाय टू. तो क्यू टी पहले का बिल्कुल सही है, दूसरे का दोनों को वेवलेंथ बड़ी नजर आएगी, तो क्यू वेवलेंथ बड़ी, टाइम टेकन फिर से वो अलग अलग होगा, तो आगरा पी गलत हो जाएगा, क्यू सही हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इज ग्रेटर इस वाले केस में, तो रिलेटिव मोशन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, सी की वैल्यू अलग अलग आएगी, वो चेक करते हैं. वेवलेंथ ऑब्जर्व बाय गलत है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय अक्षय गलत, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी, फ्रीक्वेंसी अपन को निकालना पड़ेगा. वंस अगेन हम कैसे निकालेंगे कि एक ऐसा है, एक ऐसा है, ये जा रहा है वी बाय थ्री वी बाय टू से, ये जा रहा है वी बाय टू से, समझ में आया? और विंड जा रही है वी बाय, उल्टा लिख दिया शायद, 3v by 2 और v by 2. यह है समझ में सेकंड पार्ट? हाँ हाँ ठीक है. तो अब वेवलेंथ, ये अक्षय कुमार को वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी, तो q तो है बिल्कुल. अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो निकाल ही सकते हो अलग अलग, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय अक्षय कुमार ए, तो कितनी फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करेगा, एफ नॉट इनटू ऑब्जर्वर सी, सी की वैल्यू सी प्लस वी बाय टू, और इसका ऐड हो जाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, थ्री वी बाय टू, थ्री वी बाय टू अपॉन सी प्लस वी बाय टू प्लस वी बाय टू,
frequency received by r f naught c minus v by 2 और ये दूर जा रहा है माइनस वी बाय टू सी माइनस वी बाय टू प्लस थ्री वी बाय टू तो अक्षय कुमार की फ्रीक्वेंसी जा रहा है आर सही है आंसर भी क्यू आर सही कैसे मतलब ये तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा ना क्यों यार वैल्यू नहीं निकाल पा रहे नहीं तो मैं ये मैंने बना दिया था वेरिएबल पर एक एक में थ्री नीचे आ रहा है तो मतलब वही है एक यार ये बनेगा देख लेंगे सी प्लस सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी ये हाँ. बनेगा एफ नॉट सी माइनस वी अपॉन सेम बना क्या ये सेम बना एक मिनट सी प्लस वी बाय टू माइनस थ्री वी बाय टू प्लस वी बाय टू सी प्लस वी सी माइनस वी बाय टू तो सेम नहीं बन गया सेम बन फ्रीक्वेंसी तो सेम बन गई उल्टा तो नहीं लिया ये विथ रिस्पेक्ट टू यही दिए थे हाँ तो हमने ये पानी का जोड़ दिया इसमें तो ये वी बाय टू आ गया ये थ्री वी बाय टू आ गया सही है पानी को वी बाय टू दे दिया अब इसने यहां से सिग्नल बाहर फेंका ठीक है तो सिग्नल फेंका वो किस स्पीड से जा रहे हैं तो सी प्लस वी बाय टू माइनस थ्री वी बाय टू दूर जा रहा है वी बाय टू प्लस वी बाय टू C माइनस वी बाय टू दूर जा रहा है माइनस वी बाय टू सही है स्पीड की विंड अक्षय कुमार और स्पीड की अपने वो लिखिए वैल्यू अक्षय कुमार और रणवीर में वो अपोजिट नहीं है मतलब ऊपर C माइनस वी बाय टू रिलेटिव है तो जोड़ोगे ना वी बाय टू तो रणवीर का वी बाय टू बचेगा अक्षय कुमार का थ्री वी बाय टू बनेगा नहीं नहीं इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में स्पीड की विंड तो स्पीड की वैल्यू रही है मतलब विंड जो विंड की स्पीड अक्षय कुमार में विंड ज्यादा इस तरफ चल रही है ना अक्षय कुमार की तरफ चल रही है हां सी तो सी में जो ऑब्जर्वर सी बाय 2 अक्षय कुमार ऑब्जर्वर है माइनस 3 बाय 2 सब सही है सब सही है सेम आ रही सेम आ रही है सेम कितना कोइंसिडेंस ये आनी थी देखो ये सी आएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस सी आएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस सही है सेम शायद आना ही था यार आंसर सी क्वेश्चन कहाँ चला गया घूम गया चलो सी को घूम गया लास्ट का क्यू सर ऐसे सर आगरा वाले में तो हाँ. अगर अपन बी1 बी2 बराबर रखते हैं सर तो देखना सी माइनस क्या आ गया सर आ गया ठीक तो ऐसे करना है अप्रोच समझ में आ गई क्या किया हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड लिखी उसको विंड में अज्यूम कर लिया रिवर को और आंसर निकाल दिए ठीक है चलो अगला कर लेना खुद 39-40 हो गए थे 41 हो गया था क्लास में हो गए ये वाला किस चीज का क्या कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन अरे क्वेश्चन तो बोलो किस क्वेश्चन की बात चल रही वो 40 वाले में वो पी वाला किस चीज का है वो बहुत समझ में नहीं आया था पी वाला किस चीज का है नहीं आया पी मतलब पी स्टैंडिंग है किस चीज वो कैसे मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट एस एक्स ग्राफ है बस पी वाला एस एक्स है अच्छा अच्छा ठीक ये पढ़ो लाइन चलो अब आ जाओ 43 का आंसर आंसर बोलो PRS ये तो पक्का है डिस्कस हो चुका है 2019 का है ना 44 का 44 चलो डिस्कस कर लेते हैं इन अ स्ट्रिंग ऑफ स्टैंडिंग वेव सेटअप इन अ इक्वेशन ठीक है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ एट x इक्वल टू 0 अब देखो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ तो डिफरेंट होगी फंडामेंटल वेव है
पता नहीं क्या है और शायद पड़ेगा नहीं उससे स्टैंडिंग क्योंकि पर यूनिट स्टैंडिंग वेव है ना तो ऐसा कुछ बनेगा तो अलग अलग लेंथ में अलग अलग होता है ठीक है क्योंकि जब ये एक्सट्रीम पोजिशन वाला केस होता है तो ये जैसे ग्राफ है तो टी इक्वल टू जीरो पे ग्राफ कैसा बनेगा डिस्टर्बेंस ऐसे आएंगे टी इक्वल टू जीरो पे आएंगे t इक्वल टू टी बाय एट पे मतलब पाई बाय फोर का चेंज आएगा a बाय रूट टू हाइट आएगी ये हाइट a आएगी t इक्वल टू टी बाय एट पे t इक्वल टू टी बाय फोर पे ऐसा बनेगा t इक्वल टू टी बाय टू पे तो t बाय टू पे ये नीचे बन जाएगा चलो ये समझ में आया यहां तक ये नोड है नोड नोड तो यहां पे इस पॉइंट पे एनर्जी मैक्सिमम है जिला और अभी यहां पे एनर्जी मैक्सिमम सोचो अगला यहां पे एनर्जी जीरो है जीरो यहां पे एनर्जी जीरो है ना तो स्ट्रेन है और स्पीड तो है ही नहीं बेचारे के पास स्ट्रेन जीरो है स्पीड तो है ही नहीं यहां पे बात करें तो यहां यहां भी एनर्जी नॉन जीरो यहां भी एनर्जी नॉन जीरो ठीक अब देखें टोटल एनर्जी एट पर यूनिट लेंथ एट एक्स इक्वल टू जीरो पर यूनिट लेंथ तो ये स्ट्रेन के फॉर्म में एनर्जी इस पे आ जाएगी ठीक है तो हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर टू ए का होल स्क्वायर दरअसल डीएम बनता डीएम बाय डीएल तो ये एनर्जी यहां स्टोर हो जाएगी ठीक है तो टू पर आ गया अब टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ एट एक्स इक्वल टू टू अलग अलग पार्ट में निकालना ये कितना गंदा है यार पीआरएसटी तीनों आ रहे हर पार्ट का निकालना पड़ेगा t इक्वल टू जीरो पे देखते हैं है ना तो अब हमें ये देखना है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है ना एट लैम्डा बाय फोर लैम्डा बाय फोर कौन सा यही है लैम्डा बाय फोर जीरो होगा लैम्डा बाय फोर इज जीरो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू लैम्डा इज जीरो सही है तो s और t तो पहले के सही है सही एक्चुअली लैम्डा हाँ और लैम्डा ये हमेशा ही जीरो बनेंगे ये तो एसओटी सबके आएंगे सबके लिए एसओटी सबके लिए आएंगे क्योंकि नोड और एंटी नोड पे नेट पावर तो है नहीं तो पास पावर का स्लो है ना नोड और एंटी नोड पे तो पावर आनी नहीं है अब क्या था हमारा मतलब मैं हाँ ट्रांसमिटेड ही है ना तो एसओटी ऑलवेज आएंगे अब हमें एनर्जी पर यूनिट लेंथ वेलोसिटी सॉरी टेंशन पे इनका पावर जीरो होगी ना टेंशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी हमेशा अच्छा एंटी नोड के जो बगल वाले पॉइंट्स है वहां से एनर्जी ट्रांसफर इधर आई कट गया ना नेट ट्रांसफर तो जीरो है ना वर्ड ट्रांसफर बोला है या तो एनर्जी उस पे दोनों तरफ से आ रही है उससे दोनों तरफ जा रही है अच्छा ठीक है या ऐसे देखो ना ये थी पावर स्लोप जीरो है ना स्लोप जीरो है एंटी नोड का और वेलोसिटी जीरो है नोड की तो नोड पे वजह वेलोसिटी जीरो है एंटी नोड पे स्लोप जीरो होना है ठीक है तो एस टी तो हमेशा आ गए अब बस मुद्दा ये है कि एनर्जी पर यूनिट लेंथ हम लिखेंगे तो ऑक्सीलेशन वाली क्योंकि स्ट्रेन वाली एनर्जी तो है ही इसके पास है ना अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि एनर्जी इसकी जगह इस पे है आधी आधी है तो t इक्वल टू जीरो पे कौन कौन से पॉइंट है टोटल एनर्जी एट x इक्वल टू जीरो तो ये हमने पूरी की पूरी इसकी एनर्जी इसमें स्ट्रेन के फॉर्म में स्टोर्ड है ना और सबसे ज्यादा स्ट्रेन इस पे स्टोर्ड है डी एम ओमेगा स्क्वायर टू ए का होल स्क्वायर बाय डी एल तो इसका पहले का पी आ जाएगा है ना लैम्डा बाय फोर पे आंसर आएगा जीरो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ लैम्डा पे
लैम्डा ये है, लैम्डा पे भी यही आएगा पी आर एस टी पहले का, ये आ गया पहले का पी आर एस टी। दूसरे का टी बाय फोर टी बाय एट पे जब निकालेंगे तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, अब आंसर में टू हट जाएगा, वो एवरेज बनेगा तो ऐसा तो है ही नहीं टू से कम वाला, तो टी बाय एट वाले में ये केस बनेगा, तो इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह अलग अलग, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है टैक्स इक्वल टू लैम्डा बाय फोर। इस पे स्ट्रेन आनी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी आनी है, स्ट्रेन किसी और को जाएगी तो आंसर गलत होगा, आधी एनर्जी आनी चाहिए, टू नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं है टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो पहले का आंसर पी भी नहीं है, है ना, पी भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, दूसरे का आंसर टोटल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू लैम्डा, ये तो वैल्यूज ये इतनी नहीं आएंगी क्योंकि एनर्जी अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पोटेंशियल किसी और के पास है, काइनेटिक किसी और के पास है, तो पी क्यू आर हट गया, तो इसका आ गया एस टी। सर ये एनर्जी निकाल ही नहीं सकते ना, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आधी आधी होगी, किसमें इसी केस में टी बाय एट पे, मतलब हमने सिमेट्री से मान लिया कि स्ट्रेन आधी आ गई हो। अच्छा मतलब आधी उस पे एंटी नोड पे काइनेटिक एनर्जी और आधी उस पे हाँ पोटेंशियल एनर्जी। सर ये 2a क्यों लिया है, हाफ dm ओमेगा स्क्वायर t इक्वल्स टू 0 पे क्यों, उस पॉइंट पे तो मैक्सिमम आएगा ना 2a, मतलब मैक्सिमम तो a है ना, हाँ मैक्सिमम 2a है, देखो इक्वेशन अच्छा t इक्वल टू टी बाय फोर पे, टी बाय फोर पे वापस से स्ट्रेट लाइन वाला केस बन गया, स्ट्रेट लाइन वाले केस में एनर्जी x इक्वल टू जीरो पे नहीं आएगी, लैम्डा बाय फोर पे आएगी, तो क्यू एस टी। और इसका आंसर वही आएगा पी आर एस टी जो पहले का था, ये है आंसर। चलो 45-46 अब आ जाओ जी आर फोर, मिल जा चलो डाउट बताओ, 1 2 3 चले 4 चेन्नई वाला आया, चेन्नई एरिया टी के टी टू दी पावर 4 पे, इसलिए ये लिखा नहीं कि ये सेम सैंपल है, दे मे बी डिफरेंट सैंपल, ओके है ना, ये नहीं कहा कि सेम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ग्राफ हो, एरिया अलग अलग हो, दैट मींस डिफरेंट एरिया exposed, समझ गए, even different emissivity भी हो सकती है, different E, clear? Yes sir. तो वैसे अगर सब कुछ same भी होता, तो Wien's displacement law के हिसाब से बोलना तो एक गलत होगा ना? तो सही होगा ना? अरे वो तो ठीक है, according Wien's means show. Okay. हाँ वो ठीक है Stefan's law के हिसाब से, फिर पूछ क्यों रहे हो? हमने मान लिया, अपना knowledge use कर लिया. सच्चाई तो है, अब भले चाहे उसकी वजह से नहीं, सच्चाई तो लिखी है, मतलब लगा देते। फिफ्थ में एक छोटी सी दिक्कत हो रही है, इमिसिव पावर ये इंटेंसिटी होनी चाहिए, क्योंकि इमिसिव पावर और एनर्जी इमिटेड पर सेकंड एक ही चीज हो जाएगी, वही तो, इसकी जगह स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोलनी थी, इंटेंसिटी होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये सेम ही चीजें हैं दोनों, है ना, बोलते हैं कि ये होता मतलब होना चाहिए था इसकी जगह, मतलब पावर इमिसिव पावर सिग्मा ये टी टू दी पावर फोर ही है, इमिसिव पावर यही है, उसे इंटेंसिटी कहते हैं, सिग्मा टी टू दी पावर फोर। हाँ ऐसा थोड़ी करेंगे कि यार पावर लिख रहे हैं और वो यूनिट इंटेंसिटी निकले, तो इसीलिए वो गड़बड़ हुआ, इसमें शायद ये इंटेंसिटी होनी चाहिए थी,
आई ए और आई बी कर लो तो सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोलो, इसका आगरा क्यों है? सिक्स का क्या दिया आंसर? आगरा दिल्ली दिया। In a dark room with ambient temperature T naught black body, keeping the temperature of the black body, sun rays are allowed to fall on black body through a hole in the roof in the dark room. Assume there is no change in ambient temperature, which of the following radiation absorbed, ठीक है, बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है ये बात तो. Hence the quantity of radiation emitted, Bombay बिल्कुल गलत है. बिल्कुल. More energy in unit time. देखो अगर इस ये स्टडी स्टेट में अदरवाइज कायदे से इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, है ना, लेकिन शायद टेम्परेचर उन्होंने कांस्टेंट कह रखा है ना, कांस्टेंट हो कहां लिखा लिखा कहां लिखा कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा है, ओके ओके लिखा है। हाँ अब देखो कायदे से ये टेम्परेचर टी है तो रेडिएशन करना तो सिर्फ टी की प्रॉपर्टी है सिग्मा ए टी टू दी पावर फोर, इसको सराउंडिंग से लेना देना नहीं, बाहर से गिर रही हो उससे लेना देना नहीं, ये तो इतना ही आएगा। लेकिन अब इस पे ये एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब होने लग गया है सन रेज से, तो इस पे एब्जॉर्ब बढ़ गया, इमिटेड वही है, अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो पक्का रिफ्लेक्शन चालू हो गया होगा, तो जो एक्स्ट्रा हमने एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है कहीं से, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड आगरा बिल्कुल सही है क्योंकि दो जगह से अब्सॉर्ब कर रहा है, इमिट उतना ही कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा इसका मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म कर रहे हैं जिससे इसकी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि है तो ब्लैक बॉडी तो हम उसको किसी ना किसी तरह से रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, अब जैसे भी कर रहे हैं। फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये एनर्जी बाहर जा रही है या हम एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे लेकिन वो रेडिएशन के फॉर्म में नहीं है, वो हम किसी और फॉर्म में रेज को फेंक निकाल ले रहे हैं, तो डेली का ना सही, इसलिए डेली हमने लगा दिया, तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी तो इंक्रीज हो रही होगी ना धीरे-धीरे। अरे जिस रेट से सनलाइट सनराइज सन आ रहा है, सन से रेज आ रही है उसी रेट से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सन की कॉन्स्टेंट है तो ये भी कॉन्स्टेंट है, तो सन की रेज मतलब वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही, सीधी बात ये, तो रेडिएट कर रहा हूं, तो सन रेज से कांस्टेंट आ रही है, कहां अंडरस्टूड है वो, तो सन रेज आर अलाउड टू कांस्टेंट, मतलब वो तो कांस्टेंट ही होगी, सन की एनर्जी कहां हम बदलते हुए मानते हैं, रेडिएशन क्या रेडिएट कर रहा है, रेडिएट रेडिएशन तो खुद की प्रॉपर्टी है, ये वो तो सिग्मा एटी टू द पावर फोर ये रेडिएटेड है ना, ये तो कांस्टेंट है, एब्जॉर्ब्ड जो है वो है सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर फोर प्लस फ्रॉम सन, ठीक है, ये तो रेडिएटेड ये है, एब्जॉर्ब्ड ये है, कांस्टेंट है तो आगरा क्यों है? एक मिनट अब देखो रुको, अब अगर कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म नहीं, अब इसका इस हिसाब से टेम्परेचर सिग्मा ए टी टू दी पावर फोर सिग्मा या तो ये मैकेनिज्म होगा ना पहले फ्रॉम सन, अगर ये दो बराबर हो गई तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो कोई एक्सटर्नल एजेंट रहा होगा जिसने इसको कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है, कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट। हाँ तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखा है ये बताया नहीं गया, फ्रैक्शनल एजेंट होगा पहले, मतलब वो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता पहले पहले, हां क्वेश्चन में लिखा नहीं है कैसे कांस्टेंट है, तो इट मे बी पॉसिबल कि यही चीजें इत्तेफाक से ऐसा हो कि सन रेट ये कांस्टेंट, ये हो सकता है यही कांस्टेंट आ जाए, और अगर ये कांस्टेंट टर्म आ गया तो हमें रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं, तो रिफ्लेक्शन जीरो है, ऑलवेज जीरो रिफ्लेक्शन, वैसे भी ब्लैक बॉडी है, लेकिन सर एक्सटर्नल एजेंट सबसे पहले तो होगा ना, तो एक्सटर्नल एजेंट होगा तो वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा किसी और फॉर्म में, कंडक्शन के फॉर्म में कर सकता है, फिर मतलब जितना एब्जॉर्ब कर दिया उतना ही एमिट कर दिया ना, हाँ तभी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो या तो हम उसको एमिट करा रहे हैं, मतलब ओवरऑल रिफ्लेक्टेड एनर्जी जीरो,
क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू वन है, ई की वैल्यू वन है, आर की वैल्यू जीरो लिखा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अगर वो एनर्जी आ रही है तो कंडक्शन वंडक्शन के फॉर्म में गायब हो गई है। बॉम्बे में कंक्लूजन लिख दिया, गलत लिख दिया, इमीडिएट इंक्रीज। सर लेकिन वो जितनी एमिट कर रहा है वो तो कांस्टेंट है ना? हाँ सर, तो जितनी एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। हाँ तो है ना, वो भी कांस्टेंट ही तो है। फिर आगरा क्यों आया? फिर कौन सा आगरा? सिक्स का एक क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, ये एब्जॉर्ब मतलब पहले जो एब्जॉर्ब कर रहा था और अब जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उन दो में कंपेयर किया है। मतलब अब एमिट भी था ना, सन करने से पहले, सन के लिए जो जगह बनाई है ना सोलर रेज, वो करने अच्छा, से अच्छा, पहले ओके, 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 ओके। है ना, और रिफ्लेक्टेड एनर्जी तो हमेशा ही जीरो है क्योंकि ब्लैक होगी। तो अगर टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो वो हमने कुछ जुगाड़ कर रखी है। ठीक, चल सेवन एट, कई बार एट वाले सॉल्व कर दिए, एट का मैच नहीं कर रहा था। Small pan of heat, it is V 4.5 liter and we put this pan on a stick, heating it at constant rate. The temperature of water is plotted against मतलब evaporation हो रहा है कुछ, तभी तो temperature constant है, है ना? पहला हो गया specific heat of alcohol। हाँ चलो 0.5 liter of water and put this, एक मिनट, heating it at constant rate. Temperature of the water is plotted against time, there is no heat loss. तो इससे water equivalent आ गया होगा पहले वाले से. Then we removed water from pan and cooled the pan back to zero. अच्छी बात है. We poured 0.7 gram of alcohol at constant, the temperature graph, ठीक है, the density. तो यहां से evaporation चालू हो गया. अब बताओ क्या कह रहे हो? Total energy उसके बराबर कर देंगे ml के. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अल्कोहल, ये ठीक है, हाफ ऑफ द अल्कोहल एवेपोरेट्स इन दिस। तो पहले वाले से तो हमने वो निकाल लिया कि 10 मिनट में टेम्परेचर आ गया, पावर कितनी है? आर ओके, हीट कैपेसिटी दे रखी है, वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, दे रखा है, ठीक है। तो 0.5 लीटर ऑफ वाटर, तो इसकी जरूरत नहीं, तो पहले में तो हमें जरूरत क्या पड़ी, इससे इनपुट पावर आ गई ना, हीट हीट का नेक्स्ट में पावर इक्वेट कर देते हैं, इससे पावर आ जाएगी ना कि पावर इनपुट हम किस रेट से दे रहे हैं। इनपुट तो P इनटू 10 मिनट 600 रेट आ जाएगा, 300 इनटू टेंपरेचर चेंज कितना है 80, जीरो डिग्री है क्या इनिशियली? जीरो है, प्लस वाटर 0.5 तो 500 इनटू 4200 मतलब 0.5 इंटू 4200 80 ये पावर आ गई। ठीक है, कुछ कट रहा है, 500 से 1000 काटो, यहां लिख लो 40, 600 से 600 काट दो, ये बना 40, सही है, यहां से 600 से 280 तो पावर आ गई 320। ठीक, आप देखो सही, अब हमें क्या निकालना है, पावर आ गई अपनी 320। देयर इज नो हीट लॉस, देन वी रिमूव्ड वाटर फ्रॉम द पैन एंड कूल। तो अब यहां से तो 15 मिनट में तो पावर 320 इंटू 50 इंटू 1500 पर मिनट इज इक्वल टू कितना बनेगा पर मिनट, ही है ना, 12 इनटू 300 इनटू 50 प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका एच हीट कैपेसिटी इनटू 50 क्यों होगा सर? सर वो लेफ्ट में क्या हुआ, वो मिनट में है, सब चीज मिनट में ही चल रही है, तो वो तो अच्छा है। वो भी पर मिनट है ना, तो 500 लिया 5 3 तो h इज इक्वल टू छोटा नहीं बन गया 320 इंटू 15 जीरो से जीरो काटा 5 पहले वाले में 600 सेकंड लिया
सेकंड लिया है तो यहाँ भी 15 इंटू 60 तो 50 काट दें दोनों की, इसका 50, इसका 50, इसका 50 काटा तो 0 और यहां से कितना कटा 5 3, ठीक है 320 इंटू 18 माइनस 300 ये आ गया H, तो M और S का प्रोडक्ट है। मास कितना है, अल्कोहल कितना है 0.7, तो 0.7 इंटू H। ये 50 से काटा, सही है ना, तो कैलकुलेशन कर लो, पहला आ गया होगा, चलो करते रहना। दूसरा क्या है, हाफ ऑफ द अल्कोहल एवेपोरेट्स इन 22 मिनट्स। पहले का आंसर आ गया था, क्या आया, बॉम्बे कर लेना। हाफ ऑफ द अल्कोहल एवेपोरेट्स इन 22 मिनट्स, तो 22 मिनट्स में हाफ ऑफ अल्कोहल एवेपोरेट हो गया, तो इस दौरान जो हमने 7 मिनट में जो भी एनर्जी दी है वो अल्कोहल में पूरी गई होगी। तो 7 मिनट में हमने एनर्जी कितनी दी, 7 इंटू 60 इंटू उसकी जो इनिशियल आई थी पावर। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, तो इसका एम एल, मास कितना है 0.7 इंटू एल बाय 2, बाय 2, बाय 2 क्यों, आधा आधा हाफ ऑफ है। तो आपको कैसे पता कि से 50 डिग्री सेल्सियस की वो हॉरिजॉन्टल है ना ग्राफ, अच्छा वो ठीक है, ठीक है तो ये आ गया, ठीक है। आंसर क्या है, चेन्नई, चेन्नई की बॉम्बे, बॉम्बे चेन्नई में से एक। आपने हॉरिजॉन्टल क्यों लिया, ग्राफ मिटाऊं, दिखा देखो, अरे ये क्या बात हुई, अरे क्या हॉरिजॉन्टल बना, चलो फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ डबल ग्लास ग्लास, ये होगा फिगर कहाँ है, फिगर कहाँ है, जरूरत पड़ रही है, हाँ क्वेश्चन, वैसे मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट शायद ऐसा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ना, ऐसा होगा शायद, यहाँ K1 यहाँ K2 होगा, एरिया गिवन होगा, टेम्परेचर का ग्राफ दिया होगा, तो यहाँ स्लोप से हम K1 रेशो K2 निकाल लेंगे, समझ गए ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट से रेजिस्टेंस R1 R2 करके होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो दिया ही नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। 11 12 चले 10th 11 12 12th, a liquid of volumetric bulk modulus filled in a spherical tank of negligible radius 25, wall thickness 2, temperature of the liquid, then the tensile stress developed. So tensile stress developed, test. Surface tension आएगी ना? Okay, वो उसी को tensile stress कह रहे हैं, ऐसा बनेगा। तो tensile stress क्या आएगी, अगर sigma है, तो इस वाले पे जो force आएगा और इस वाले पे जो प्रेशर आएगा, तो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे आता फोर्स एफ, एफ लिख सकते हैं, एक हाफ ने दूसरे हाफ पे लगाया, लेकिन अगर हमें स्ट्रेस लिखना है तो सिग्मा इंटू टू पाई आर डेल्टा आर लिख सकते हैं, आर डेल्टा, आया समझो, फोर्स क्या है, किसके, अरे ये दो हाफ हैं, तो एक हाफ ने अगर प्रेशर बाहर लग रहा है तो एक हाफ दूसरे हाफ को रोकेगा ना, तो ऐसे रोकेगा चारों तरफ, तो रोकेगा तो फोर्स एफ डेवलप होगा, तो फोर्स अगर एफ डेवलप आया, ये डेल्टा पी इनटू पाई आर स्क्वायर है, लेकिन हमसे स्ट्रेस पूछा है, तो बाय एरिया डिवाइड करेंगे 2 पाई आर डेल्टा, अच्छा आ गया, अब वैल्यू छाप लेना, find the tensile stress developed, है ना, अब देखते हैं, bulk modulus दे रखा है, temperature भी दे रखा है ना, तो
तो इस पे जो डेल्टा पी प्रेशर डेवलप होगा वो लिक्विड ऐसा था, इसका वॉल्यूम टी नॉट था, टेम्परेचर टी नॉट। अब मैंने इसका टेम्परेचर टी नॉट प्लस डेल्टा टी बढ़ा दिया, तो कायदे से लिक्विड बढ़ना चाहिए लेकिन लिक्विड नहीं बढ़ा, इसका मतलब इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गई है डेल्टा वी बाय वी, और कितनी गामा डेल्टा टी, झेल गया। ये ठीक इस क्वेश्चन की ही एनालॉजी है, अच्छा टी नॉट पे नेचुरल लेंथ, अब टी नॉट प्लस डेल्टा टी, जिसमें स्ट्रेस डेवलप होता है, समझ गए, वाई इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी होता है, तो इसमें ये स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस डेवलप विल बी बी इनटू डेल्टा वी बाय वी, स्ट्रेस ही डेल्टा पी है, और डेल्टा वी बाय वी गामा डेल्टा टी, ये डेल्टा पी निकल आया। अब हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, अब आ गया समझ में, हाँ अब आ गया। तो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टू पाई आर डी आर, ये स्ट्रेस है। ठीक है, ये कौन सी, जो मेटल पे डेवलप हुई, ये दो तरह की स्ट्रेसेस है ना, समझ गए ना, ये जो ब्लू वाले मेटल पे डेवलप हुई, ये लिक्विड पे प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से मेटल पे स्ट्रेस आ रही है। ठीक है, आ गया। तो ये इक्वेशन थी, और डेल्टा पी ये उठा के चाप दो, जैसे इस रॉड वाले केस में, रॉड वाले केस में इस पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप होती है और फोर्स इन पे ट्रांसफर होता है, हाँ, तो उनकी वजह से एक सिग्मा पैदा हो जाता है, बिल्कुल वही क्वेश्चन इसमें, सिग्मा एक करके से निकाल सकते हैं। अब बोलो 13, 14, 15 चला 14 को वैसे 50 आ रहा था, 14 था सही है। Two identical molecules collide head-on face-to-face with speed, maximum compression of each. So inelastic collision. Half into twice of half stress into volume. Into volume, ये energy है. Is equal to loss. Strike call कर दिया था एक के. Loss और मेरे ख्याल से total twice of half mv square पूरा loss हो जाएगा. दो mass दोनों deform हो गए लेकिन. दोनों डिफॉर्म हो गए ना, तो स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम में हम लिखेंगे, तो यहाँ भी ट्वाइस कर लो, और इसको सिग्मा वाय बाय या सिग्मा को वाय बाय, क्या स्ट्रेस पूछा है स्ट्रेन पूछा है, कंप्रेशन, तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या तो ये तरीका है, या ये सोचो कि इसमें हाइपोथेटिकल स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग का की क्या होता है ए वाई बाय एल, ये होता है ये ए एल, ठीक है, तो दोनों जब आए तो इस पे ये जो स्प्रिंग डेवलप हुई दोनों पे एक कंप्रेशन आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने सिंपली ऐसा माना, पहले ये नेचुरल लेंथ पे थे एल एल, जब ये कंप्रेस हुए तो इन पे आ गई लेंथ एल माइनस डेल्टा एल, एल माइनस डेल्टा एल, तो यहां एनर्जी स्टोर्ड हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो वाई एप्सिलॉन स्क्वायर, वाई एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, और एनर्जी लॉस ट्वाइस हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका भी ट्वाइस, क्लियर, इक्वेट कर दो दोनों को, अब कर लेना सही आएगा। चलो 15, 16 20 The exit temperature of liquid is T. तो energy conserve करने से नहीं बना काम। याद था। कि याद था, तू याद था। कि एक सेकेंड में कितना मास अंदर आया और कितना मास बाहर गया, उन दोनों की energy का sum constant कर दो। तो एक का loss, एक का gain है। हाँ, वो उल्टा कर। तो T minus 20 यहाँ dm1 by dt होगा। 20 minus T कर दिया था मैंने। और उधर समझ गए? 90 माइनस 50 कंपेयर कर लेना, हाँ
17 गलत लिखा है क्या? 19 A steel cylinder L is suspended by end from Young's modulus density, the elastic deformation energy stored. Variable आएगी खुद के वेट की वजह से इंटीग्रेशन करके निकलेगा 1/6 तो यहां से जैसे x लोगे ना तो यहां स्ट्रेस आएगी इस हिस्से का वेट तो x into rho density है क्या rho a g by a ये स्ट्रेस आएगी x rho g तो एनर्जी जो हम स्टोर निकालेंगे तो हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम इसको लिखते तो हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय y adx इंटीग्रेशन हाफ सिग्मा की वैल्यू x rho g सही है होल स्क्वायर बाय y adx 1/6 बन जाएगा नीचे हाँ तो इससे नहीं आ रहा आंसर बस कोई वो यू दिया था ना तो थोड़ा वो 6 यू आएगा ना तब यू के टाइम्स हाँ वो 6 यू आया था वो यू के टाइम्स में आंसर आएगा नॉट अमेरिकल आंसर दे दिया 6 यू हो जाएगा ना आंसर 6 यू उन्होंने कुछ नहीं अमेरिकन दे ठीक है 6 यू आएगा समझ में आया कैसे किया मैंने फॉर्मूला हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ क्या है कि स्ट्रेन में 2 dx आते स्ट्रेन समझ गए ना सॉरी स्ट्रेन लिख सकते हैं स्ट्रेन हम खुद ऐसे लिखते सिग्मा एक्स बाय वाई तो अपने आप वो फॉर्मूला वही बनता ठीक है वो उन्होंने शायद रेशियो दिया है आंसर हाँ ठीक है आंसर मिल गया ना क्या है चलो 19 The brass scale of at 18 barometer shows a pressure reduce the reading of barometer to 0. The brass scale mercury has been graduated at 0 degree Celsius. At 18 shows a pressure 760. Reduce the reading, the coefficient of linear expansion. क्या लिखा है? Zero पे ले जा रहे हैं तो उसमें फिर reading बतानी है. देखो 18 डिग्री पे बैरोमीटर ने प्रेशर बता रखा ब्रास स्केल मर्करी बैरोमीटर तो हो सकता है अंदर एयर हो अब हम इसको वापस से जीरो पे ले रिड्यूस द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास ओके डेंसिटी कम हो गई होगी निकालना क्या है इसमें प्रेशर की रीडिंग कहाँ लिखा तारा पे जो निकाली है वो अगर टेम्परेचर जीरो डिग्री करेंगे तो कितना रीडिंग है रिड्यूस द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर टू जीरो बैरोमीटर टू जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर की रीडिंग बतानी है तो सराउंडिंग का प्रेशर कांस्टेंट मानना है हाँ सराउंडिंग का तो कांस्टेंट है तो डेंसिटी बदल जाएगी इसकी हाँ और जो स्केल की सर वो है ना गैप बीच में वो भी बदल जाएगा ऐसा होगा है ना तो स्केल का गैप जिस रेट से बदलेगा और ये जिस रेट से बदलेगा तो प्रेशर डिफरेंस आएगा एच रो जी अब इस पे आएगा कुछ और तो इसका अल्फा है इसका गामा है तो रिलेटिव लेना पड़ेगा है ना गामा माइनस 3 अल्फा टाइप का तो ऐसे लेते हैं कि पहले ये डिग्री 18 डिवीजन थे सॉरी 18 ही थे ना 18 डिवीजन थे बाहर प्रेशर पी नॉट तो इसकी हाइट एच थी है ना अब ये है जीरो 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 तो जीरो के ऊपर की मर्करी ये थी एच
अब यहाँ वैक्यूम है, नहीं जीरो डिग्री पे वैक्यूम नहीं माना, पता नहीं भगवान जाने क्या। तो यहां डेंसिटी का जो असर आएगा एच का, अल्फा का आएगा ब्रास इसका, तो ये लेंथ अल्फा के हिसाब से चेंज होगी, मरकरी चेंज होगी तो ये लेंथ की डिवीजन बदल जाएगी। तो मरकरी एक्चुअली कितना नीचे गिरा, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्वेश्चन। डिवीजन ओके, हाँ ये 760 जैसे 76 सेंटीमीटर रीड कर रहा है, है ना, सराउंडिंग अपन ने कांस्टेंट मानी, तो ये कुछ और रीड कर रहा है, ये अगर एक्स रीड कर रहा है, एक्स रीड ये 76 रीड कर रहा है, तो 76 इंटू रो नॉट इंटू जी इंटू एरिया इक्वल टू पी नॉट, ये बनेगा सही है ना, अपॉन एरिया, ये इसका वेट आ गया 76 इंटू एजी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एरिया। अब यहां आएगा एरिया तो वैसे कट जाएगा, पी नॉट इंटू ए डैश इज इक्वल टू 76 की जगह एच, रो नॉट की जगह रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है, और जी की जगह जी, ए डैश की जगह ए डैश, बस जो एच की जगह हम लिखेंगे हाइट एक्चुअली वो आएगी हाइट एक्स टाइम्स, ये समझ गए ना, एक्स रीडिंग है तो हाइट आएगी एक्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एक्स रीडिंग है, ये समझ में आया क्या है? आपने इसको इक्वल क्यों करा, क्या आपने आपने जो इनिशियल वेट इक्वल क्यों करा, जीरो डिग्री पे हालांकि सही था, has been graduated at zero at 18 barometer, reduce the reading to barometer at, हाँ बता रहा हूँ क्या है, एक मिनट अभी समझाता हूँ। पहली लाइन देखो, graduated at, ये कैलिब्रेशन टेम्परेचर है, मतलब इस पे सब कुछ सही है, तो अगर जीरो डिग्री सेल्सियस पे जो वो बता रहा है हाइट, जैसे इस पे इसने हाइट h बताई, तो ये h एक्चुअल हाइट है ना, तो इस पे, लेकिन जब हमने इसको 18 डिग्री पे किया तो इसकी हाइट 76 आ गई, ये पूछा, इसकी हाइट 76 आ गई, तो इसकी डेंसिटी अगर रो नॉट है तो इसकी डेंसिटी बदल के रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, और इसका जो 76 रीड कर रहा है इस समय एक्चुअली इसकी हाइट 76 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगी। अब यहां P नॉट इज इक्वल टू रो नॉट जी एच, वहां पी नॉट इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी इन टू जी, और एच की वैल्यू 76 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब दोनों को कंपेयर कर दो तो एच की वैल्यू आ गई, ये था क्वेश्चन, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 76 1 प्लस अल्फा माइनस गामा डेल्टा टी। यार अब देखो कितना है, अल्फा कितना है 19 इंटू 10 पे माइनस 5 और ये 18 इंटू 10 पे माइनस 5 तो 1 इंटू 10 पे माइनस 5, डेल्टा टी कितना है 18 माइनस 4 है, क्यों माइनस 4 18 इंटू 10 पे माइनस 5 ये 1.9 है क्या, कि 19 है 1.9 ठीक है, तो ये आंसर बदल जाएगा सच, तो ये 0.19 तो माइनस में आएगा, माइनस में, और कितना 1.8 माइनस 0.19 इंटू 10 पे माइनस 4 डेल्टा टी है 18, ये आंसर है, देख लो आप कर लो कैलकुलेशन, इसको 0.2 मान लो तो 1.6 कर लेंगे इंटू 18 इंटू 10 पे माइनस 4, आंसर 76 से थोड़ा सा कम आएगा। आंसर क्या दिया 757 क्या 757.2 हाँ तो 76 से थोड़ा कम है इसको, और 76 से कितना कम है तो हम इसको 75 ले लें, इसको 1.6 ले लें, इसको 18
इनटू 10 पर माइनस 4 ये बना सही पर बस इसका कंसेप्ट बता दीजिए समझ नहीं आ रहा बता तो दिया और ये क्या बताया समझ नहीं जब से क्या बता रहा हूँ बस मेरे को बता कि है क्या ये जीरो डिग्री पे सही रीडिंग आती है कैलिब्रेट किया है मशीन बनाई है जीरो डिग्री पे रीड हम करा रहे हैं 18 पे तो 18 पे डेंसिटी बदल गई 18 पे 76 रीड कर रहा है लेकिन असली हाइट तो कुछ और होगी हाँ बिल्कुल एक्सपेंशन होगा ये नई हाइट है प्रेशर दोनों जगह बराबर कर दिए रो जी एच पहले लिखा रो जी एच बाद में लिखा अच्छा ओके ठीक है हाँ दोनों के इनिशियल और फाइनल रो जी एच बराबर कर दिए ये रो जी एच 76 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हाँ ठीक है आ गया थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी 20 हो गया हाँ हाँ पेपर पेपर में 1 2 3 चले चले और चले चले 5 थर्ड वाला चले थर्ड सॉल्यूशन है कितना अच्छा पूरा क्या दिक्कत है थर्ड में क्लोज आ रहा था सस्पेंडेड कंप्लीटली इन वाटर तो बस टेंशन की वैल्यू बदल ली है एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट आया था सर और इसका जो फर्स्ट है वो क्या है ये मतलब कुछ भी दिया हुआ है फर्स्ट कोई सेंस ही नहीं सही है बिल्कुल सही है ये कैसे हो सकता है ये कैसे पॉसिबल ही कैसे क्यों कैसे पॉसिबल हो सकता है अरे वो तो मतलब हमें मानना है कि लाइट इनफाइनाइट स्पीड से जाती है तो मतलब लाइट पहले चलाई मान लेते कि हेडलाइट जला दी और फिर वो एकदम से ही पहुंच जाएगी आपके पास तो फिर इसका सेंस क्या हुआ हेडलाइट जलाई वो पॉइंट डिस्टेंस कम करना पड़ा ना ट्रेन 200 मीटर खिसक गई ना उतनी देर में हाँ अच्छा ठीक है उतनी ही देर में अरे हमें लाइट इनफाइनाइट स्पीड से मानना है ये मान मतलब आत हो गया था समझ नहीं आया क्या इवेंट दोनों एक ही जगह पे तभी होंगी जब एक ही जगह पे लाइट जली होंगी दोनों हाँ बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये अच्छा ओके फिर एक ही जगह पे लाइट जली होंगी तो एक ही जगह दिखेंगी रिलेटिविटी का थोड़ी ना कॉन्सेप्ट है ठीक इतना सोच रहा हूँ उससे काफी आसान है फिर से पढ़ना बहुत ही टप्पा क्वेश्चन है चलो ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया होगा हाँ स्फीयर वाला चले आगे स्मॉल बॉल चले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ मजे करो जी फैक्टर से कर लो सबसे आसान है ना उसी से कही आता एर्थ हो गया चले नाइन्थ चले टेंथ चले लेस देन जी ऑलवेज इलेवेंथ रिपीटेड चले ट्वेल्थ चले सही बात थर्टीन फर्स्ट वाला उसमें ट्वेल्थ वाले हाँ तो उसमें रह नहीं सकता उसमें बना रहे नहीं रह नहीं सकता उसको नीचे आना ही पड़ेगा फार्मर में आया तो टू तो एक्साइटेड स्टेट है कभी ना कभी तो नीचे गिरे गई तो मस्ट आएगा मस्ट हमेशा मतलब ग्राउंड नहीं आएगी ठीक है ना तो लाइमन सीरीज पक्का आएगी कभी ना कभी तो आएगी ना चलो अगला ये बात बता दीजिए ये बैटरी गलत लगी होगी ना पोटेंशियोमीटर है रेजिस्टेंस वाले रीजन इन द गिवन पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर सी इज 1 मिनट जीरो डिफ्लेक्शन फॉर एनी अगर ये नहीं दे रहा है तो ये हो सकता है कि हमने ये रेजिस्टेंस इतना बड़ा ले लिया तो इस पे ड्रॉप छोटा सा आया इस पे टोटल ड्रॉप ही अगर मान लो 0.1 वोल्ट आया और ये 1.5 वोल्ट की बैटरी मेजर कर रहे थे कहां से मिल जाएगा आंसर समझ गए और सर डेली वाला ये तो हो ही सकता है ना अगर बैटरी के टर्मिनल उल्टे लगा दिए तो गड़बड़ हो ही जाता है ना हां बिल्कुल लॉजिक खत्म वो समझ में नहीं है ये ही भूल गए यार
ज्यादा नहीं होगी अगर तुम यही भूल गए तो? लाइन पे नहीं मिलेगा इतना वो। ये वायर में हाई से लो जा रहे हैं हाँ, तो यहाँ भी हाई से लो जाओगे तभी तो नल पॉइंट मिलेगा। यस सर। अगर यहाँ लो से हाई चले गए तो मैच कैसे करेगा? हाँ ठीक ओके। मीटर ब्रिज में फर्क नहीं पड़ता उससे। 14 चले 15 बता दीजिए। ट्रेन अप्रोचिंग अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लास्टिंग फॉर ड्यूरेशन 20 सेकंड। अ मैन एट द प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसल 550 ड्यूरेशन फॉर व्हिच ही हियर साउंड्स ऑफ व्हिसल। ये तो सीधा सीधा है ना, अपन को कुछ करना ही नहीं है। ट्रेन अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म, तो ये स्पीकर हमारा आ रहा है कितने से? 500 हर्ट्ज से। ठीक है, 20 सेकंड तक इसने बजाया। इफ अ मैन ऑन प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसल एज 550, तो मैन रेस्ट पे, तो इससे हमें इसकी स्पीड मिल गई। 40 आ गई। फाइंड द ड्यूरेशन फॉर व्हिच ही हियर्स द साउंड ऑफ द व्हिसल, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, है ना? अब ये कितनी देर के लिए इसको सुनाई देगा, यही है ना? हाँ हाँ, तो कितनी देर के लिए सुनाई देगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा किसने पहला सिग्नल कब देखा, कब सुना होगा। अप्रोचिंग का प्लेटफॉर्म है ना, तो अप्रोच ही कर रही है और 20 सेकंड के लिए। लेंथ इक्वल नहीं कर सकते किसकी? मतलब जैसे 20 सेकंड में ट्रेन ने जितनी डिस्टेंस कवर करी उतनी साउंड को करनी पड़ेगी, उतनी साउंड को करनी पड़ेगी ना, मतलब एकदम एंड पे जाने में। नहीं, जैसे एक मिनट, पहला सिग्नल ये रिसीव करेगा और जब ये कहीं 20 में जब ये आएगा तो अगला सिग्नल ये किसी और टाइम पे रिसीव करेगा। ठीक है, ये T1 पे रिसीव करेगा, ये T2 पे रिसीव करेगा, ये लेंथ L है। तो पहला सिग्नल आया L/T1 पे, है ना, जो T=0 पे सिग्नल पैदा किया था। एक T=20 पे पैदा किया है, जीरो वाला पहुंचा L/V1 पे, सिग्नल जनरेटेड एट T=0, ये रीच किया। दूसरा ये गया 20 सेकंड पे, तो V ऑफ ट्रेन इनटू 20 बाय ये क्या है L/C, ये सिग्नल जनरेटेड एट T=20। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही डेल्टा टी अपेरेंट है, तो L/C तो कट गया, VT इनटू 20 बाय सी। ठीक है, ये क्या है डेल्टा टी, एक मिनट, इसमें 20 नहीं ऐड किया मैंने, 20 प्लस ये आ जाएगा, ये नया टाइम इंटरवल आएगा। ठीक है, तो आंसर गलत नहीं है? क्यों, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव घट रहा था क्या? घटेगा हाँ, इसमें से घट रहा था, माइनस था, माइनस साइन माइनस है, माइनस है। ओके ओके सर, थोड़ा कम समझ में आया ये। तो पहले मैंने ये निकाला जो T=0 पे सिग्नल पैदा हुआ वो कब पहुंचा, तो L/C टाइम पे। ये जो 20 सेकंड पे जनरेट किया वो कब पहुंचा, तो 20 सेकंड तो लग ही गए होंगे उसमें, क्योंकि 20 सेकंड बाद पैदा हुआ है, और उसको डिस्टेंस लेकिन कुछ कम कवर अप करना है क्योंकि ये ट्रेन ऑलरेडी कवर अप कर चुकी है। ठीक है, अपॉन सी, तो इतने टाइम पे पहुंचेगा, तो T1 और T2 का डिफरेंस। ठीक है, ठीक, तो ये इसके बीच का इंटरवल होगा। वैसे भी देखो फ्रीक्वेंसी जिस रेशियो में बढ़ गई है टाइम उसी रेशियो में कम हो जाएगा, कॉमन सेंस था वो, रेशियो फ्रैक्शन ले लो बस। ठीक, फ्रीक्वेंसी जिस रेशियो में उसको ज्यादा लगेगी टाइम उसी रेशियो में कम आएगा ना, क्यों? क्योंकि ट्रेन ने ऐसे सिग्नल जनरेट किए, ये 20 बॉक्सेस जनरेट किए उसने टीटी वाले, लेकिन जब उसने रिसीव किए तो उसको टी नहीं मिला, यहां टी डैश मिला। समझ में आया? तो ये जो इंटरवल 20 टी हो रहा था इसके लिए इंटरवल 20 टी डैश होगा। पक्का समझ गया क्या कह रहा हूं? नहीं। क्यों नहीं समझे यार? ये T-dash उसका है, ऑब्जर्वर का।
ये सोर्स का है। सोर्स ने जो 20 सिग्नल भेजे, 20 टाइम पीरियड वाले सिग्नल भेजे, ठीक है, तो इसको 20 टी टाइम लगता मान लो सिग्नल में, ठीक है, तो 20 भूल जाओ, यहाँ 20 नहीं है, तुम n लूप्स है, n लूप्स अगर उसने पैदा की, तो उसने जो कितने इंटरवल के लिए पैदा किया, तो n टी आता ना। अब इसने n लूप्स पैदा किए तो n लूप्स ही तो रिसीव करेगा ही, n से ज्यादा तो रिसीव करने ही लेगा, लेकिन उसका इंटरवल n इंटू टी डैश होगा। यहां t की वैल्यू 1/f0 थी, यहां t डैश की वैल्यू 1/f होगी, और f की वैल्यू f0, समझ गए, इंटू जो फैक्टर से निकल आएगा ना f, उतने गुना टाइम आ जाएगा। ओके, ये इनका 20 सेकंड है, तो इसका आंसर कितना है, तो क्या आएगा आंसर इसका, n इंटू एफ नॉट, ऊपर क्या बनेगा, c अपॉन c माइनस vt, यही बनता, n अपॉन एफ नॉट की वैल्यू 20 थी, तो n अपॉन एफ नॉट c माइनस vt बाय c की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है, तो 20 1 माइनस vt बाय c, सेम आंसर है। मेरा अप्रोच बड़ा सिंपल था, ट्रेन ने t इक्वल टू 0 पे एक सिग्नल पैदा किया, वो कब पहुंचा, t इक्वल टू 20 पे पैदा किया, वो कब पहुंचा, दोनों का डिफरेंस यही सुनाई देगा। ठीक है, समझ में आया, रिपीट करूं, अच्छा चले, आ गया, t इक्वल टू 0 पे ट्रेन यहां थी, बंदा यहां था, ये कान इधर थे, अब कान इधर है, t इक्वल टू 20 पे ट्रेन इधर है, सोचो, है ना, तो ये फर्स्ट सिग्नल, ये लास्ट सिग्नल, ठीक है, तो हियरिंग स्टार्ट्स एट, बताओ, 0 प्लस एल बाय सी, झिलाए, हियरिंग एंड्स एट 20 प्लस एल माइनस वी टी सी बाय सी, सोचो, हाँ, ये वीटी और सी, ये 20 आएगा ना, 20 वीटी इनटू 20, आया समझ में, हाँ, तो इंटरवल ऑफ हियरिंग क्या है, 20 प्लस एल माइनस वीटी इनटू 20 बाय सी माइनस एल बाय सी, आ गया वही जो हम कह रहे थे, एक्सप्लोड हो गया, यस सर, 20 से कम आएगा, ये तो कॉमन सेंस था, ठीक, ठीक है, सर, चलो चलो, पक्का समझ गए, हाँ, तो इसके लिए जो सिग्नल जो बन रहा था, वो सिग्नल अगर ऐसा बना था इसका, तो ये जो रिसीव कर रहा है वो कुछ चपटा रिसीव कर रहा है, तो इसके लिए जो लेंथ n लैम्डा थी, इसके लिए वही लेंथ कुछ कम है, यही काइंड ऑफ लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन है लाइट में, यस सर, या टाइम डायलेशन, आगे बढ़ो, चलो 16 हो गया, हाँ 16 बताना पड़ेगा मुझे, 16 था बड़ा सिंपल, कि ये जब नीचे गिरा तो इसकी स्पीड 4 थी, जब उछला तो इसकी स्पीड 3 थी, तो यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स आया m टाइम्स 4 3 माइनस माइनस 4 m टाइम्स 7, तो एक फ्रिक्शन का इंपल्स आएगा, दैट विल बी म्यू एंड डीटी का इंटीग्रेशन, म्यू कॉमन एंड डीटी का इंटीग्रेशन, म्यू टाइम्स m इनटू 7, तो म्यू की वैल्यू 0.2 दी गई है, 7m 1.4m, और ये फ्रिक्शन का इंपल्स आएगा इधर, तो फ्रिक्शन का इंपल्स इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम कर देगा, कितनी थी 2, अब कितनी बचेगी, 2 में से 1.4 कम हो गया, 0.6, आ गया, हाँ, 17 चले चले, नहीं 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 नहीं, वो जुगाड़ नहीं यूज की होगी, साइन थीटा अपॉन साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू कुछ बन गया होगा,
यहाँ तक सबका बन गया था। हाँ। के बाद दिक्कत थी, तो अगर हम इनका मिड पॉइंट ले लें 30 डिग्री, तो एक को 30 प्लस अल्फा लिख लें, एक को 30 माइनस अल्फा लिख लें, इक्वल टू के। अब कंपोनेंट और डिविडेंड को लगा दो, वो भी थीटा अच्छा था। r2 को मैंने 60 डिग्री कर दिया था, उससे भी आ गया, ठीक है, बस तो भी थीटा अच्छा थोड़ा ना। अरे यार कंपोनेंट डिविडेंड सीधे tan अल्फा नहीं मिल जाएगा? नहीं वो ठीक है, जब म्यू में पुट करेंगे तो वो बेकार ही गया था। ठीक है, म्यू की वैल्यू निकालो, थीटा अप्रोक्स निकालना पड़ रहा था, 1x60 नहीं आया, यही हो जाएगा। निकालना क्या है, अल्फा नहीं निकालना, ये थीटा नहीं निकालना, नहीं म्यू निकालना, म्यू निकाल के निकालना। हां ओके, म्यू निकालना है, उसके बाद फिर से बस दोबारा गंदा से था एक्सप्रेशन, इससे तो अल्फा निकलेगा। हां अब म्यू में छापोगे तो अब हो सकता है गंदा बन जाए। r1 + r2 60 डिग्री कर दिया था उसने। हां तो ये तो r मिल गया, r1 + r2 60 मिल गया, तो सारे एक्सप्रेशन लिखते हैं अल्फा तो कॉस ले लिया दोनों, मुझे समझ नहीं है सॉल्व क्या नहीं हो पा रहा था। ओके म्यू निकालना, तो यार अल्फा ही निकल आया तो ये सॉल्व करने में दिक्कत क्या है, 60 ये अल्फा साइन 60 / साइन अल्फा ये म्यू है, वो बहुत अजीब बन रहा था, 1 + 2 + 1 / 3 का होल स्क्वायर कर दिया उसमें। ओके हां ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्योंकि हमने तो tan अल्फा निकाला, अब ये जब साइन निकालेंगे हो सकता है बुरा बन जाए। तो बहुत आसानी से हो जाए, 1890 आ जाओ पेपर टू, क्वेश्चन नंबर वन हो गया। यस सर। क्वेश्चन टू हो गया, चल रहा है। क्वेश्चन थ्री चल रहा है। क्वेश्चन फोर सर, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड अपन ने ज्यादा एक्सटेंड कर दिया तो उससे टाइम पीरियड पे वेरिएशन नहीं आता? किस क्वेश्चन में? जनरल पूछ रहा है ऐसे, चंद अर्थ वाले केस में नहीं आता क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है ना, कहीं भी करोगे तो यहाँ ग्रेविटी आती है mg और g की वैल्यू g r / r, ये तो r के प्रोपोर्शनल ही है ना, एप्रोक्सीमेशन थोड़ी किया। नहीं मैं स्प्रिंग में पूछ रहा था, स्प्रिंग में एम्पलीट्यूड फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं क्यों, टाइम पीरियड पे कहां फर्क पड़ेगा, फोर्स ऑलरेडी kx ही था, अप्रोक्सीमेशन करते हैं तब फर्क पड़ता है ना। यहाँ तो अप्रोक्सीमेशन का लफड़ा ही नहीं है, हमेशा ही यहाँ तो हमेशा ही काम करेगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 सर, इसमें 3 आ रहा था, इसमें हाँ कुछ 3 आ रहा था, 1/3 पहले ये 4th मैक्सिमम, पहले ये 4 बीटा था, अब ये 3 बीटा डैश है, तो 4 बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा डैश, 4 डी लैम्डा / डी इज इक्वल टू 3 डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर by t lambda lambda lambda, तो समझ गए 3/280 square equal to d बना। क्या पूछा है? time 2d/3a_root, ये आया हाँ मैरी में से गए एक थ्री में से गया सही सर, बस ये दिक्कत हो रही है fourth order जो maximum है उसमें center वाला count करना है कि नहीं, fourth order मतलब 4 lambda का path difference, जीरो थर्ड ऑर्डर होता है ना सेंट्रल, तो बस थोड़ी होता है वो, अगर उसको मान के फिर मैच कर रहा है तो फर्स्ट मान के बॉम्बे लगा दिया था, बस सेंटर काम करने ऑर्डर तो वही होता है, ऑर्डर मतलब फोर्थ ऑर्डर मतलब 4 लैम्डा का पाथ डिफरेंस, तो 4 बीटा ये बाय की वैल्यू, जीरो थर्ड ऑर्डर में 0 बीटा होती है ना, जीरो से याद करो इसमें अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो देखो यहाँ तो आएगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं आएगा यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए हम इसको अगर कंप्लीट कर दें, इसको अगर कंप्लीट कर दें तो सोचो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी कैसी थी, ऐसी बनी थी पेंडिकुलर बनेगी, तो दो पार्ट इस वाले और इस वाले पे तो आंसर आएगा नहीं, तो इस रॉड का आंसर वही है जो इस सर्कल का आंसर है, इसका आंसर है मतलब इस वाली रॉड का आंसर वही है जो इसका आंसर है, और अगर ये क्लोज लूप बन गई तो क्लोज लूप में तो फैराडे लॉ लगा ही देंगे ना, एडीबी बाय डीटी लगा देंगे, एरिया
एक मिनट कैसे कहा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी इसकी, ऐसी बनती है ना इसकी, ऐसी बनेंगी सर्कुलर बनेंगी, हाँ सर्कुलर टाइप। अगर मैं इस लूप को कंप्लीट कर दूं तो इस वाले पे अभी ई डॉट डी एल जीरो है, अब भी जीरो है, तो E dot dl closed integral का सेम है E dot dl p से q का, क्योंकि बाकी का तो आना नहीं। E dot dl का डिफरेंस जीरो होगा ना, ये क्या कह रहे हो मतलब, या p और q के में अगर डिफरेंस निकालेंगे E dot dl का तो वो जीरो आएगा ना, तो E dot dl का इंटीग्रेशन जो आएगा, क्या कह रहे हो ये डिफरेंस क्या चीज है, एक गलत बोलता हूँ ठीक, दूसरा चैनल लग गया तुम्हारा। E dot dl का क्लोज इंटीग्रल हम निकाल रहे थे ऐसे, तो क्लोज इंटीग्रल हमने ये निकाला, ये P से Q आता, Q से O आता और O से P आता, ये तीन चीजों से मिलके बनता, लेकिन ये दो ऑलरेडी जीरो थे, तो लाइन का आंसर वही है जो कंप्लीट पार्ट का है, और कंप्लीट पार्ट में फेराडे लॉ लगा सकते हैं, तो एरिया टाइम्स डीवी बाय डीटी लगा सकते हैं। अब बात ये उठी कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया तो निकालेंगे मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है, यहां से ज्वाइन करो इसको, एक सेक्टर बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, समझ गए, एक सेक्टर एक ट्रेंड। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ज्यादा सॉल्व नहीं करना था बच्चा, हाँ तो सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन, मैं कम बना कर रहा हूँ, देखो इसका हॉरिजॉन्टल वाला सॉरी वाला क्या, इसमें ये वाला बता दे, 8 वाला तुम तो ऐसे मान सकते हो कि ये 37 है, v का साइन 37 ऐसा है, ऐसे आ रहा था v का cos 37, आफ्टर इंपैक्ट इसका v cos 37 ज्यों का त्यों बनेगा, और इसका ये हो जाएगा v, इसके सेंटर का v नॉट और ओमेगा नॉट, ये लेंथ l by 4 ठीक। अब इंपल्स से सॉल्व करो, मैं रिकमेंड इसमें यही करता हूँ, कंस्ट्रेंट रिलेशन इलास्टिक कोलिजन है, तो कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगा, E नॉट प्लस ओमेगा एल बाय फोर इज इक्वल टू वी, ये कंस्ट्रेंट। एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम नहीं कंस्ट्रेंट आपने सही कहा, अप्रोच सेपरेशन वाला, अप्रोच कितना है वी का साइन 37, आपने सेपरेशन तो किया है, मतलब सब नॉट में भी रहेगा ना माइनस, ये v डैश है वेलोसिटी, v डैश माइनस v डैश नहीं लिखा मैंने, ओके माइनस v डैश, हां ना, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर, सेंटर ऑफ मास या कोई पॉइंट ऑन ग्राउंड ले लो, अबाउट पॉइंट ऑन ग्राउंड ये वाला ले लो, तो ये पॉइंट यहां मौजूद है ऐसा, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब हम लिखते, समझ गया ना, पॉइंट हमने ग्राउंड पे ले रखा, तो m v sin 37 l by 4 is equal to m v dash l by 4 plus rod का खुद के अबाउट 1 by 12 m l square omega m v not 0, मिल गई थी इक्वेशन तीन, हाँ ठीक है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, सॉल्व करना ही पड़ेगा, गंदा है डेटा, भी इतना अच्छा नहीं दिया, हाँ आंसर भी कौन से अच्छे आ रहे, गंदे आंसर, कौन से अच्छा आ रहे, 25 पे स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना ऐसे था, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, अब आ जाओ ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सर, क्यू पे कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी ना, क्यू पे स्ट्रेन हमेशा क्यू पे जीरो है, किसी भी स्टेट में स्ट्रेन जीरो, क्योंकि डेल एस बाय डेल एक्स ऑलवेज या डेल वाई बाय डेल एक्स ऑलवेज स्लोप ही जीरो है। मैं तो ऐसे सोचता हूँ, जो पॉइंट यहाँ होंगे एज इट इज ऊपर उठ रहे होंगे, इनके बीच का डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा होगा,
और दिल्ली में ये कह रहे हैं कि पी क्यू ने क्यू आर को ट्रांसफर नहीं की, ये बात चल रही कि पी क्यू क्यू आर को या क्यू आर पी क्यू को ये आपस में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। एक पूरा सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो ट्रांसफर अकर्स अक्रॉस क्यू, और बात सही है, इसका मीनिंग ये है। अब आ जाओ 11। बस ऐसे ही पूछा था हमने, क्या होना चाहिए ना DL पार्ट, क्या टेक्स प्लेस लिखा है ना, लेकिन गलत है ना, दिल्ली में टेक्स प्लेस नहीं है ना, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिखा है टेक्स प्लेस लेकिन नहीं हो रहा है ना। PQ से QR को एनर्जी थोड़ी मिल रही है, PQ की अपनी अलग कंजर्व्ड है, QR की अलग कंजर्व्ड है, क्योंकि Q के अक्रॉस पावर ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि Q पे नेट पावर जीरो है। अच्छा। तो लेफ्ट की अलग कंजर्व्ड है, राइट की अलग कंजर्व्ड है। ठीक सर, हमने DL पार्ट पे, जो Q पे DL पार्ट है, उधर हमने ग्रेविटी का रोल नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए पोटेंशियल हमेशा इसमें ग्रेविटी का रोल नेग्लेक्ट करते हैं। 11th हो गया, चलो चलो चलो, इवेंचुअली ये एक मिरर है, हां बराबर, तो ये अगर इधर है तो इसकी इमेज चाहे यहां बने चाहे यहां जाएगी तो अपोजिट ही, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा उल्टा होता है। अब इमेज फास्ट होगी या ऑब्जेक्ट फास्ट होगा वो तो डिपेंड करता है कहां रखा है। हां तो मे वाले आंसर आ जाएंगे, मे वाले, तो आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, सही। 12th चलो, ओके, 13 में क्या दिक्कत है इसमें, आप एक बार बस ये बता दो कि यू को कैसे देखेंगे, ईवी ग्राफ है ना ये, यूवी, अरे तो यू ये है तो यहाँ से डेल्टा यू मिल गया ना, हाँ, वाइस ऑफ पीवी का डेल्टा, ठीक है। अब बताओ क्या कह रहे हो, पीवी को एनआरटी लिखते हैं ना, हाँ, तो डेल्टा यू एन आर डेल्टा टी का ट्वाइस, ये आ गया डेल्टा डेल्टा यू का फॉर्मूला। अच्छा, यू नॉट बस भूल जाओ, यू नॉट सिंपली ये दे रखा है कि शायद इसके पास कोई पोटेंशियल या कोई कांस्टेंट एनर्जी है, हमने रेफरेंस बदल दिया होगा, क्योंकि हमें तो डेल्टा यू से ही मतलब है ना जो भी है, ठीक है, और इसी को कंपेयर करो एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए छह, कितने, चार, मतलब ये मिक्सचर है। मस्ट वाला तो गलत हो गया ना, हाँ ए डी सही, ठीक है, और वगडन आइसोथर्मल प्रोसेस लिखी थी, बिल्कुल चलो। 14 एरियल वेलोसिटी इलिप्स बन रहा है ना, हाँ इलिप्स है, एंगुलर मोमेंटम बाय 2 एल बाय 2 17 क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं दिया था, ऐसा कैसे हो जाता है यार ये, 17 में कुछ दिया नहीं, बट दोनों में नहीं दिए थे, दोनों में बोनस, एक पिछले में भी फिगर मिसिंग था कोई, नहीं सर वो शीट में था, वो शीट में था, उसमें था, इसमें नहीं है, इसका फिगर नहीं था उसमें, फिगर की जरूरत है, क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट है, तो कंप्लीट नहीं है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तुम्हारे में भी फॉलोइंग नहीं था क्या, नहीं था वो क्वेश्चन, चीटिंग है ये तो, ऐसे क्वेश्चन था बड़ा सड़ा सा है ना, है ना, क्योंकि एनर्जी को हम हाफ के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करें तो 16x²-2x लिखा है, इसको प्लस वन कर दो क्या फर्क पड़ता है, रेफरेंस बदल देंगे तो 16 ऑफ क्या बनेगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस सम 16 या माइनस 16, तो हाफ के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो तो के की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, मीन पोजीशन आ गई x=1, बाकी ऐसे चलें या डेरिवेटिव करके फोर्स निकाल लो। सर
सर एक बार बस ये बता दीजिए आपने ई डॉट डी एल वो दो सेगमेंट के लिए जीरो कैसे बोला था, वो थोड़ा मुझे अब भी समझ में नहीं आया। अरे परपेंडिकुलर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। हाँ, और फिर वो रॉड के लिए इस पार्ट का जीरो, इस पार्ट का जीरो, लेकिन इसका नॉन जीरो है ना, वो टेंजेंट हो सकता है किसी भी उसके, इसलिए इसलिए नहीं। टेंजेंट एक पॉइंट पे टेंजेंट हमेशा तो काट रहा है ना, बाकी जगह तो काट रहा है ना। यहाँ क्या परपेंडिकुलर है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसमें और इसमें जो रेडियस से कनेक्टेड है उन पे जीरो। हाँ रेडियस। सर उसने एरिया पूरा क्यों नहीं लिया था पूरे ट्रायंगल का? लिया तो था, फ्लक्स तो सिर्फ अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ अंदर लाई कर रहा है ना हमारा। ये है बताओ, इस लूप से फ्लक्स पूछा होता तो कितना एरिया लेते? अच्छा ठीक है ठीक है। फैराडे लॉ तो यही कहता है ना कि एरिया ये वाला लो। करेक्शन या जो प्रॉब्लम है वो मुझे भेजते हैं। सर वो अपन एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन अपन पॉजिटिव मानते हैं? नहीं ऐसा कोई रूल नहीं, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा कोई रूल नहीं। एक बार आप क्वेश्चन देख लिया, आपको भेजा नहीं इसका। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते मेंस में इसका। मैं देख रिप्लाई कर दूंगा मैं। कहाँ है एंटी की? ओके इसमें एक कोई प्लस होगा तो एक कोई माइनस होगा, ऐसा कोई रूल नहीं कि किसको पॉजिटिव मानते हैं। दोनों दिए थे, दोनों दिए थे ऑप्शन, देना चाहिए, ये देना चाहिए कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव वालों ने आंसर की रिलीज कर दी है, देना चाहिए उन्होंने आंसर, मतलब वो मानते हैं नेगेटिव। इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। हां बिल्कुल, तो आंसर बॉम्बे आने उल्टा भी ऑप्शन था क्या? बॉम्बे की उल्टा भी था। हां एल बाय वी लेंथ थी, वो तो अंदर उसके लूप के अंदर आ जाएगा, सब कुछ सेम था, एग्जैक्ट सेम था ये। तो ये तो दोनों दोनों ही पॉसिबिलिटी है, कुछ भी आंसर लगा सकते हैं। हां भाई है ना, वैसे पता नहीं वो शायद, पता है ईएमएफ में कुछ नहीं दिया होता ना तो हम माइनस डी फाई बाई डी टी से साइन देख लेते हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है तो हम नेगेटिव कर देते हैं, घट रहा है तो पॉजिटिव कर देते हैं, तो हम ये वाला लगा देंगे। कुछ नहीं दिया है, दोनों दिए हैं तो हम ये वाला लगा देंगे। अरे माइनस डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव है, जब अंदर आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, बाहर जाएगा घटेगा, तो हम इससे अंदाज लगा लेते हैं, साइन नहीं दिया होता तो घटेगा। और इसके कन्वेंशन में तो अलग अंतर नहीं, वो तो फ्लक्स के हिसाब से, फ्लक्स बढ़ रहा है उसका नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिए, वैसे ही दिक्कत होती नहीं, लेकिन दोनों ऑप्शन में मौजूद ग्रुप पे भेजा है कुछ, हम इससे चुनते हैं, दोनों दिए होंगे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लगाएंगे ये वाला आंसर। अब उन्होंने जो भी दिया है आंसर ये वाला सही होना चाहिए अगर दोनों ऑप्शन में मौजूद है, अगर ये मौजूद नहीं होता तो हम फिर बॉम्बे लगा देते, जैसे हम माइनस एल डी एल बाई डी टी में करते हैं। हाँ, हम फ्लक्स के हिसाब से मान लेते हैं, फ्लक्स को पॉजिटिव मान के आंसर निकाल देते हैं। समय ग्रुप पे भेजा है क्वेश्चन। कल की क्लास रिकॉर्ड होगी? सुबह है, कल की क्लास रिकॉर्ड होगी, कर दीजिएगा सर प्लीज। कल की क्लास कोशिश करूंगा रिकॉर्ड तो होगी, रिकॉर्ड होके कन्वर्ट होने में टाइम लग जाता है। ठीक है चलो सर, मैंने ग्रुप पे भेजा था क्वेश्चन। कहाँ है, मैं ग्रुप ही तो खोले हूँ, कहाँ है ये सर? अच्छा आप खोला, वो मैंने इंद्रपाल सिंह के नाम से है ना एट द रेट कर रखा है। कहाँ? वो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ग्रुप पे, तो मेरे तो कब भेजा था, मेरे भी ऊपर नहीं, इसी फिजिक्स ग्रुप में भेजा, ऊपर करना पड़ेगा था, पहले भेजा था ये बोलो ना। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें आप ये क्या बोलते हैं, नीचे ज्यादा मतलब स्ट्रेन होगा तो टेंशन की जो डायरेक्शन है वो नीचे होनी चाहिए ना। टेंशन कांस्टेंट, अरे लेफ्ट ने टेंशन कितना लगाया तो फ्री बॉडी डायग्राम राइट पार्ट का बनाया, इस पे फोर्स लगा रहा है लेफ्ट पार्ट, राइट टेंशन ऑलवेज पुल्स। हाँ समझ गया ना, एफबीडी हमने राइट पार्ट का बनाया और फोर्स लेफ्ट के हिसाब से देख रहा था एक्चुअली। हां अप्लाइड बाय लेफ्ट पार्ट, अब समझ गए? हां समझ गए। तो कल मिलते हैं अपन फिर सुबह 7 बजे, मस्त नहा धोते आना, समोसे मिलेंगे। ठीक है ठीक है है ना, और बाहर के बच्चे डाउनलोड करके खा लेंगे। चलो मिलते हैं अपन कल सुबह है ना। हाँ।
ओके बच्चों एक मिनट सर टॉपिक क्या टॉपिक कौन सा होगा टॉपिक यार अभी डिसाइड नहीं किया लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कैपेसिटर होगा और कैपेसिटर वो तो क्लास में ही क्वेश्चन कराऊंगा जो मार्क जो शीट है ना उसी के थ्योरी बताते जाऊंगा क्वेश्चन कराते जाऊंगा है ना तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाऊंगा मैं ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ के आना पढ़ के